ट्रेनिंग कौन करा रहा है ना, आपका इंस्टीट्यूट का नाम या ट्रेनिंग एजेंसी का नाम, है ना, कुछ भी वो ऐसा शब्द यूज करते हैं, आपसे पूछते हैं आपकी ट्रेनिंग कौन करा रहा है, तो आपकी ट्रेनिंग हो रही है नेक्सस मार्केटिंग की तरफ से, नेक्सस मार्केटिंग, है ना। जैसे आप लोगों ने स्लाइड देखा होगा ना, तो उसमें नेक्सस मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, जब ब्रेक का स्लाइड लगा होगा तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये आ रहा होगा लिखा हुआ, आ रहा था ना ये नेक्सस मार्केटिंग, ये देखिए बाय नेक्सस मार्केटिंग, है ना, इसको लिख लीजिए। अगर आपसे पूछेंगे कि ट्रेनिंग कौन करा रहा है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो आपको बताना है नेक्सस मार्केटिंग, याद रखना ये आप लोग, है ना, वो पूछते हैं आकर आपसे। और ट्रेनिंग आपका 15 डेज का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का टाइमिंग आपको सबको पता होना चाहिए, 10 to 6 है, लंच ब्रेक कब है, टी ब्रेक कब है, सब आपके सामने क्लियर रहेगा। अटेंडेंस कितनी बार होती है आपकी, वो भी आपको याद रहना है कि 4 बार अटेंडेंस होगा आपको, पूछेंगे आप लोगों से, है ना, ये क्वेश्चन कॉमन से, तो आप सभी का आंसर एक जैसा होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसके अंदर किसी प्रकार का। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा मेन जो है DRA। तो सबसे पहले हम लोग बैंक को लेकर ही चलेंगे और बैंक से ही शुरुआत करेंगे कि बैंक है क्या। सर ने हालांकि आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे जो भी आप लोगों का डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम बैंक के बारे में पहले समझेंगे कि बैंक करता क्या है। देखिए आप लोगों ने, है ना, मार्केट में अलग अलग प्रकार के बिजनेस करने वाली कंपनीज के बारे में सुना होगा, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, कोई बेचती है ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, कोई फर्नीचर बनाती है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस का नाम सुना होगा आपने मार्केट के अंदर। ऐसी बैंक क्या है, बैंक बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक भी एक बैंकिंग कंपनी के रूप में बैंकिंग बिजनेस करता है। तो बैंकिंग बिजनेस का पैटर्न क्या है, हमें यह समझना है सबसे पहले कि हमारा बैंकिंग बिजनेस का पैटर्न चलता कैसे है, जो बैंक बिजनेस कर रहा है तो वो चलता कैसे है। तो हमारा बैंकिंग का जो पैटर्न है वो ये है कि बैंक पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा लेता है। आप सभी का अकाउंट होगा, आप भी कस्टमर होंगे किसी ना किसी बैंक के, और आप अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करते होंगे, है ना, चाहे कम करें ज्यादा करें, करते तो होंगे ना किसी बैंक में। तो बिल्कुल पब्लिक से वो डिपॉजिट के रूप में पैसा लेता है, और पब्लिक जब उसको पैसा देती है डिपॉजिट के रूप में, तो क्यों देती है, किस कारण से देती है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए कि रीमा है, रीमा अपना पैसा बैंक में जमा करती है, रीमा सुन पा रहे हो आप, जी सर, हाँ, आप किसी बैंक में, आपका अकाउंट होगा, जी सर है आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं आप, क्या कारण है बैंक में पैसा जमा करने का। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा लाउडली बोले आप। हमारा पैसा बच सके, सेविंग हो सके सेविंग हो सके, ठीक है, वो तो आप घर में भी रख सकते हैं, बैंक में क्यों दिया आपने। 5% सर, उस पर 5% ब्याज मिलता है ना सर? देखिए ब्याज मिलता, अब ये शब्द बोलिए, 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, ये तो बैंक डिसाइड करेगा, किसी बैंक का फिक्स नहीं है, है ना, ठीक है। ब्याज मिलता है एक ये वाला, ये कारण है, और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बैंक आपको आपके पैसे की सेफ्टी दे रहा है, कि आपका पैसा बैंक के पास सेफ रहेगा, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। तो बैंक क्या करता है कि पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में पैसा जमा कर लेता है, जमा राशि लेता है डिपॉजिट के रूप में, और जब वो पैसा लेता है तो पब्लिक को कहता है कि आप जो भी पैसा मेरे पास जमा कर रहे हैं उस पैसे का मैं आपको ब्याज दूंगा, आपके पैसे की सेफ्टी मेरे पास रहेगी,
और आप जब भी ये पैसा मांगेंगे मैं आपको तुरंत उसी टाइम क्या करूंगा, दे दूंगा। विदड्रॉल कर सकते हैं आप, ऑन डिमांड विदड्रॉल कर सकते हैं। ये बैंकिंग का क्या है, बिजनेस करने का तरीका है कि पब्लिक से उसने डिपॉजिट लिया। अब जब उसने पब्लिक से डिपॉजिट लिया तो उसने बोला कि मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। हर बैंक का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबका फिक्स होगा। सेविंग अकाउंट में हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, कोई 5% दे रहा है तो कोई 4% दे रहा है, कोई 9% भी दे रहा है। ये डिपेंड करता है बैंक की अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बैंक के उनके डिसीजन पे डिपेंड करेगा ये सब कुछ, कि क्या इंटरेस्ट वो पे करेंगे, है ना। वो उनका इंटरनल मैटर है। आरबीआई ने इसके लिए उनको रिलैक्सेशन दे रखा है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब क्या है कि जब उसने बोला कि मैं आपको ब्याज दूंगा, अब मान लो बैंक में कुणाल ने पैसा जमा किया, साक्षी ने किया, कविता ने किया, मोहम्मद सलीम ने किया, सैयद कमल ने किया, सभी ने बैंक में जमा कर दिया एज अ कस्टमर, तो क्या इनका पैसा बैंक अपने पास रखकर रख ले अपने पास तो पैसा क्या ऑटोमेटिक ग्रो करेगा? नो हाँ, सर, ऑटोमेटिक तो ग्रो नहीं करेगा। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि हाँ नो पैसे का सर, प्लांट लगाया और नो 1 महीने बाद वहां से नोट निकलेंगे, वहां से टहनिया निकलेंगी, वहां से सर, नया नोट निकलेगा, ऐसा तो है नहीं। पैसा ऑटोमेटिक तो ग्रो नहीं करता है। अब जब उन्होंने बोला कि आपके पैसे पे हम इंटरेस्ट देंगे, सबसे बड़ा जो है लाइबिलिटी बैंक के लिए यही बन गया। तो वो उस पैसे को जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा कहीं पे, तब तक उसे वो लोन का जो जो पैसा उसने लिया है उसका इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाएगा, है ना। तो वो क्या करता है कि कम रेट पे डिपॉजिट लेता है। अब मान लो इन सब ने पैसा जमा किया, बैंक ने बोला हम आपको एनुअल इंटरेस्ट देंगे 4%। अब मान लो दिशा को लोन लेने की जरूरत पड़ गई। अब दिशा लोन लेने गई तो बैंक ने बोला हाँ लोन तो देंगे, 19% इंटरेस्ट लेंगे हम आपसे, देना होगा आपको एनुअल 19%, 18%। जैसा बोलेगी हमने तो जब दिया था तो आप 4% दे रहे थे हमें, और हम अगर मांग रहे हैं तो 19%, ये क्या बात हुई। यही बात है, बात यही है कि जब लेता है बैंक तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है, लेकिन जब किसी को उधार देता है तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। यही उसका मार्जिन है, यही उसका प्रॉफिट कमाने का तरीका है। अब इतना हाई क्यों कर रहा है वो, सवाल उठता है कि चलिए 4% पे लिया था, 5% पे लिया था तो ज्यादा ज्यादा 10 ले ले, इतना ज्यादा क्यों कर रहा है। तो देखिए क्या है कि बैंक को चलाने के अपने खर्चे भी हैं। जो डिपॉजिट लिया था उसका इंटरेस्ट तो पे करना ही है, बैंक चलाने का खर्चा भी तो है। बैंक चलाने के लिए स्टाफ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, है ना, बहुत सारी मतलब बिल्डिंग बनी हुई है, हेड ऑफिस के लिए चाहिए, कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज भी हैं, बहुत बहुत ज्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉयज भी हैं पूरे बैंक को चलाने के लिए, तो उनका भी तो खर्चा है, वो भी तो निकालना है ना। और तीसरा सबसे बड़ा जो कॉम्पोनेंट है किसी भी बिजनेस को करने का, वो क्या होता है, बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं हम बिजनेस। हाँ, आप कोई भी बिजनेस करेंगे किस लिए करेंगे, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए, नहीं तो बिजनेस नहीं है ना। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो किस बात का बिजनेस है वो, है क्या, नहीं है ना। तो बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, तो बैंक इसी तरीके से अपना बैंकिंग बिजनेस करता है। ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा वो पब्लिक से लेता है डिपॉजिट के रूप में, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट में पैसा उधार दे देता है ना। यही उसका प्रॉफिट करने का तरीका है। उधार देता है किन लोगों को, जिनको लोन चाहिए, किसी को घर लेना है तो हाउसिंग लोन दे दिया, किसी को घूमने जाना है, शादी करनी है, पर्सनल लोन दे दिया, किसी को आगे हायर स्टडीज में जाना है, एजुकेशन लोन दे दिया, किसी को घर का सामान लाना है, फाइनेंस कराना है, बड़ा टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन दे दिया, किसी को व्हीकल लेना है, ऑटो लोन दे दिया। तो अलग अलग प्रकार के लोन वो दे देता है ना, जैसी जरूरत है उस हिसाब से अलग अलग लोन देता है, और उन्हीं लोन से जो इंटरेस्ट आता है उसके पास, वही उसका मेन इनकम का सोर्स है, यही उसका मेन इनकम का सोर्स है लोन पे आने वाला इंटरेस्ट।
बैंक की दो प्रकार की इनकम होती है, एक होता है इंटरेस्ट बेस्ड इनकम और दूसरा होता है नॉन इंटरेस्ट बेस्ड इनकम। एक तो लोन पे आने वाला इंटरेस्ट, और दूसरा कौन सा इनकम है, सर्विस बेस्ड काम जो करता है वो, जैसे कि डीडी बनाया, चेकबुक दी, फंड ट्रांसफर किया, तो इन पे वो सर्विस चार्ज लेगा सारी चीजों पे। ये उसका कोर वर्क नहीं है, ये सर्विस बेस्ड वर्क है उसका, अदर फंक्शंस है उसका, मेन फंक्शन नहीं है ये। बैंक का मेन फंक्शंस क्या होता है, बैंक का मेन फंक्शन होता है डिपॉजिट लेना, लैंडिंग करना, डिपॉजिट लेना, लैंडिंग करना, लैंडिंग मतलब लोन कमाना, उधार देना। लैंडिंग का मतलब उधार देना, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। अब है कि तीसरा जो है मेन वर्क उसका, वो है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब है फंड ट्रांसफर करना। ये तीन काम उसके मेन होते हैं, कौन कौन सा, डिपॉजिट लेना, लैंडिंग करना और रेमिटेंसेस करना, फंड ट्रांसफर करना। हमारे ना आप ना म्यूट रखिए, जब आपको कुछ पूछना हो तब तो अनम्यूट कीजिएगा, करना आप हमारा म्यूट कर लीजिए, साउंड आ रहा है आपकी साइड से। ये आपका मेन काम है, बाकी वो जो भी काम करता है वो अदर फंक्शंस में आ जाते हैं, जैसे कि डीडी बनाना, फंड ट्रांसफर करना, ठीक है, चेकबुक देना, या आपने सुना होगा लॉकर की सुविधा देना, बैंक लॉकर की सुविधा भी देता है, सुना होगा आप लोगों ने, सुना है बैंक लॉकर की सुविधा भी देता है अपने यस कस्टमर को, सर, ताकि वो अपना कोई कीमती यस सर, सामान जैसे कि ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट भी बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। ये भी एक सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है, जो आने वाले चैप्टर में अभी आप पढ़ेंगे। तो ये था हमारा बैंकिंग बिजनेस करने का पैटर्न। बैंक के अलावा आपने मार्केट में सुना होगा एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सुना है आप लोगों ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यस जो सर, कि चोला फाइनेंस कंपनी है, मंडलम। हाँ जो कि फाइनेंस कंपनीज हैं, लेकिन वो बैंक नहीं है ना, बैंक अलग है और फाइनेंस कंपनी अलग है। फाइनेंस कंपनी का कोर काम सिर्फ फाइनेंस करना है, वो लोग अकाउंट ओपन नहीं करते, ना डिपॉजिट लेते हैं, ना चेकबुक दे सकते हैं उनको, और आरबीआई ने ये राइट नहीं दिया है। उनका कोर बिजनेस है फाइनेंस करना, यानी लोन देना, अलग अलग प्रकार के लोन देना, ये उनका कोर बिजनेस है, और उस लोन पे वो इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का अकाउंट खोल के डिपॉजिट लेना, चेकबुक देना, पासबुक देना, ये उनका काम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी। अब हमारा जो बैंकिंग शब्द है, जो बैंक है, वो हमारा एक एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है हमारा 1949, उसके सेक्शन 5B के अंदर बैंकिंग या बैंक शब्द के बारे में बताया गया है, यानी डिफाइन किया गया है कि बैंक क्या है, जो अभी आपको बताया था। तो आप कह सकते हैं कि बैंक एक इंटरमीडियरी है, क्या है बैंक, एक इंटरमीडियरी वित्त है, बिचौलिया। यस सर, हाँ, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, वित्तीय संस्थान के रूप में काम करता है, और डिपॉजिट करने वाले लोगों को और उधार लेने वाले यानी बोरोवर्स को क्या करता है, उनको कनेक्ट करता है ना, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और बोरोवर्स को वो पैसा लोन के रूप में उधार दे देता है, ये उसका काम करने का तरीका है, क्लियर है। बैंकिंग बिजनेस क्लियर हुआ कैसे यस चलता है, ठीक है, अब समझिए आपका रोल क्या है, अब आपका रोल क्या होता है, अब इसको भी समझ लीजिए आप पहले। एज अ बैंक, हमने किसी को हाउसिंग लोन दिया, किसी को पर्सनल लोन दिया, किसी को व्हीकल लोन दिया, किसी को क्रेडिट कार्ड दे दिया, किसी को एजुकेशन लोन दिया, सारे लोन मार्केट में चलते हैं बैंक के द्वारा। तो हमने जिन जिन लोगों को लोन दे दिए, क्या वो सबके सब अपना पैसा टाइम पे दे देंगे, ऐसा कोई गारंटी है, नहीं है नो ना, सर, ऐसा सर्टेनिटी नहीं है।
लेकिन मार्केट में बिजनेस करना है तो रिस्क लेना पड़ता है हमें। रिस्क तो हर बिजनेस के अंदर है या नहीं? अगर आप ठीक देखेंगे कि कार के डेली एक्सीडेंट होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ना कार चलाना लोग बंद करते हैं और ना सर, कार बनाने वाली यस सर, कंपनी यस बंद सर। कर सकती है उसको बनाना। तो उसी तरीके से अगर हम इस डर से लोन देना बंद कर दें कि भैया हमारा पैसा नहीं आएगा, तो फिर हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है? उसकी चुकाने की कैपेसिटी है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। और चेक करने के बाद हमें लगता है कि इसको जितना लोन दे सकते हैं उतना लोन दे देते हैं। लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसी सर्कमटेंसेस आ जाती हैं कि आपने सब कुछ चेक किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी किसी कारणवश आपका जो लोन है उसका पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है, या बोरोवर्स आपको परेशान कर रहा है देने के लिए, या उसने देने से साफ मना कर दिया, या बोरोवर्स कहीं इधर उधर स्किप हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्या अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम उस पैसे को ऐसे ही छोड़ देंगे? नो अगर सर, नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि ये हमारा पैसा नहीं है, ये पैसा किसका है? किसका पैसा है ये? बैंक का अपना पैसा नहीं है ना, किसका पैसा है ये? हम लोग पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक से लिया था उसने, उसका अपना खुद का पैसा थोड़ी था जो वो लोन के रूप में किसी को देके छोड़ देगा और कल को बैंक बंद हो जाएगा लॉस में आके, तो पब्लिक का नुकसान होगा ना। फिर पब्लिक का भरोसा कैसे रहेगा बैंक के ऊपर कि भैया बैंक वाले तो किसी को भी लोन दे देते हैं, डुबा देते हैं, तो हम क्यों पैसा जमा करें अपना? करेगा कोई जमा फिर? नो सर, नहीं करेगा ना, तो नो। पूरी बैंकिंग व्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। एक मिनट रुकिएगा प्लीज।
सॉरी, वो कुछ थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब हमने लोन दे दिए अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार के लोन देते टाइम तो अलग अलग प्रकार के जब लोन दिए मार्केट में, हमने उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक किया। तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने पे हमने दे दिया लोन, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कई बार ऐसे कोई सरकमटेंसेस आ जाते हैं कि हमारा पैसा ना टाइम पे नहीं आ रहा है या बोरोवर ने देने से मना कर दिया। तो ऐसे में हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम उस पैसे को वापस कैसे लेके आए। ठीक है, जनरली क्या होता है कि 90-92% बोरोवर अपना पैसा टाइम पे दे देता है, लेकिन 6 से 8% बोरोवर ऐसे होते हैं हमारे जो पैसा टाइम पे नहीं देते हो, जो टालेंगे, ठीक है, डिले करेंगे, या उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो मना भी कर देंगे देने के लिए कि हम नहीं देंगे। तो उनसे पैसा वापस लाने के लिए बैंक आप लोगों की मदद लेता है। आप लोगों का रोल यहाँ से शुरू होता है, जिन लोगों से पैसा नहीं आ रहा है, जो जो मना कर रहे हैं, आप कैमरा ऑन कर लीजिए सभी, या देने से मना कर दिया है। तो ऐसे जो बोरोअर्स हैं, इनसे पैसा वापस लाने के लिए आप लोगों की बैंक मदद लेता है ना। आप लोगों का जो रोल है वो यहाँ से शुरू होगा। तो जब आप लोग इस काम को करने जा रहे हैं, है ना, तो बैंक चाहे तो खुद भी तो कर सकता था ये काम। आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि बैंक खुद भी तो कर सकता है ये काम, उसने पैसा दिया, खुद भी वसूल सकता है, वसूल सकता है, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन क्या है कि बैंक का कोर काम क्या है, कोर वर्क क्या है बैंक का, जो अभी आपको बताया, बैंकिंग बिजनेस करना। अगर वो उस काम को छोड़ के पुराने बोरोवर्स के पीछे भागने लगा, तो पता चला कि एक ही ब्रांच में कम से कम 100 तो कोर्ट केस चल रहे होंगे, कुछ बोरोवर पे कोर्ट केस भी तो चल रहे होते हैं। अब महीने में अगर ब्रांच मैनेजर को 4-5 बार पता चला, कोर्ट में ही जाना पड़ गया, कभी क्लर्क को जाना पड़ गया, या कॉल करते रहे उसका स्टाफ, तो बैंक कैसे चलेगा, तो बैंक चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना, मेन काम तो बंद ही हो जाएगा फिर। या मान लीजिए कि वो इसके लिए अलग स्टाफ हायर करते हैं, तो फिर उनके लिए बिल्डिंग बनाओ, अलग स्टाफ को बैठाने के लिए जगह भी तो चाहिए, फिर उनकी सैलरी भी देना पड़ेगा, इक्विपमेंट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन हम उस पैसे के लिए वो लोग लगा रहे हैं जिसका पैसा टाइम पे आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता हमें, एक और खर्चा बढ़ गया हमारा। तो बैंक खुद ना करके इस काम को, जो लोग कलेक्शन और रिकवरी में वर्क करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये काम दे देता है कि आप हमारे बिहाफ पर हमारे इन बोरोवर से हमारा पैसा लाके दे दीजिए, और जो पैसा आप लाकर देंगे उसी में से हम आपको पैसा पे करेंगे, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, बैंक के बिहाफ पर या किसी एनबीएफसी के बिहाफ पर जो लोन है उसका कलेक्शन करते हैं या रिकवरी करते हैं, है ना, यही होता है ना। जी सर, हाँ, तो ये आप लोगों का रोल है, आपका रोल यहाँ से शुरू होता है। तो आप जब किसी बैंक या किसी एनबीएफसी के लिए कलेक्शन या रिकवरी का काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसके वर्क की नॉलेज होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट किस तरीके से सेल किया गया था उसका प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, क्या डॉक्यूमेंटेशन बैंक लेता है वो आपको पता होना चाहिए, किसी भी लोन में एक बोरोवर्स के क्या राइट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और बैंक के क्या राइट्स होते हैं वो पता होना चाहिए। अगर बैंक का पैसा वापस नहीं देता बोरोवर, तो हम क्या क्या एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जब तक ये नॉलेज नहीं होगा, तो सिर्फ कॉल करने से तो काम नहीं चलेगा ना। कॉल किया प्रीति ने, अब कस्टमर ने कोई सवाल पूछ लिया उनसे कि मैडम पैसा तो दे दूंगा, पहले ये बताइए। प्रीति बोली बस पैसे की बात करो,
फालतू बातें मत करो, बताना काम नहीं है हमारा, हम तो पैसे के लिए कॉल करते हैं, पैसा दे दो। कस्टमर देगा पैसा? नहीं देगा, करेगा आपको पता ही नहीं है तो आपसे बात क्या करें, किसी और से बात कराइए, उसको देंगे पैसा जो हमारे हमें सेटिस्फाई करेगा, जो हमारे डाउट को क्लियर कर देगा, उसको देंगे, आपको क्यों दें? तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, या आप कस्टमर को कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना करें, कस्टमर को आप मिसलीड ना करें, आपसे अनजाने में कोई गलती ना हो जाए, या जानकर भी ना करें, है ना? तो इसलिए ही ये ट्रेनिंग आपको कराई जा रही है। आरबीआई ने इसलिए ही बोला कि भैया जिन लोगों को आप अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं ना, पहले तो आप उन्हें ट्रेनिंग कराइए, उन्हें ग्रूम करिए कि वो पहले समझे काम कैसे होता है बैंक का, बैंक क्या प्रोसेस फॉलो करता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लेता है, क्या सिक्योरिटीज लगाता है, कैसे हम प्रोडक्ट को वापस ले सकते हैं, उसका भी तरीका होना चाहिए। अगर कोई लोन नहीं दे रहा है, और जो प्रोडक्ट आपने फाइनेंस किया है उसको वापस लेने का एक प्रोसीजर होता है, वो भी उसको पता होना चाहिए कि कैसे लेना है। ऐसा नहीं कि घर पे गए उठा के ले आए बिना उसको कुछ बोले, पैसे नहीं दिए थे उठा के ले आए हम, है ना? तो उससे क्या होगा, उससे फिर बैंक के ऊपर लीगल एक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि वो लीगल कॉम्प्लाइंसेस को ब्रेक कर रहा है। डीआरए को तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसको बताया नहीं था। अब डीआरए को तो लगा कि आप पैसा, बस डीआरए को इतना पता है कि कस्टमर अगर पैसा नहीं देगा तो हम उसका प्रोडक्ट वापस ले सकते हैं, उसे इतना पता है। अब वो वापस लेने का कोई भी तरीका अपना सकता है फिर तो, क्योंकि उसे बैंक ने नहीं बताया ना। बाद में पता चला कि वो ऐसा कुछ कराया कि कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, या कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो फिर बैंक के ऊपर पेनल्टी लग गई। अभी एक केस में पड़ रहा था, आज से करीब 1 साल पहले की बात है, नोएडा का केस है। एक डीआरए ने 9,000 रुपए के ईएमआई के लिए कॉल किया कस्टमर को, लेडी कस्टमर थी, तो कुछ बात हो गई। बोरोवर भी तो होता है ना कि पैसा देने से मना कर देता है। अब डीआरए शॉर्ट टेम्पर रहा होगा कोई, उसने पता नहीं क्या क्या बोल डाला। उसका हस्बैंड कोई अप्रोचेबल पर्सन था बहुत, उसने बैंक के ऊपर उल्टा मानहानि का केस कर दिया और बैंक से 1.25 करोड़ रुपए ले लिए मानहानि के नाम पर। देखिए कितना तो अच्छा हुआ कि 9,000 की ईएमआई दे ली थी, वो तो दी ही नहीं, और डीआरए ने भी ऐसा काम किया कि 9,000 की ईएमआई लाने के चक्कर में 1.25 करोड़ रुपए उल्टे दुलवा दिए उसको कि लीजिए आप हमारा पैसा तो दे ही नहीं रहे हैं, और ले लीजिए बम्पर प्राइस हमारी गलती का। तो ऐसा काम भी फिर कोई फायदे का नहीं है, है ना? वो गलती क्या थी जी? अब गलती थी कुछ, वो बाद में बताएंगे, बस कुछ गलत किया उसने। तो मैं अभी बस उस बात पर आएंगे तो अपने टॉपिक से भटकेंगे, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग कराने का पर्पज क्या है, कि आप कोई गलत अप्रोच यूज ना करें, कुछ गलत ना करें और ऐसा ना हो। एक और मैं केस, अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं आरबीआई का एक केस देख आया था, पब्लिक केस पब्लिश हुआ तो मैं उसे पढ़ रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि एक डीआरए घर पे चला गया पैसा लेने ईएमआई का। अब कस्टमर जो बोरोवर था वो थोड़ा नॉलेज रखता होगा, उसने बोला कि आप मुझे अपना ऑथराइजेशन दिखाइए, आप ऑथराइज्ड हैं, आपके पास आईडी कार्ड होगा आप दिखा दीजिए। अब वो बैंक ने ऑथराइज किया नहीं था, कलेक्शन एजेंसी ने ऐसे ही भेज दिया किसी भी लड़के को, ऑथराइजेशन नहीं था। क्योंकि आप क्या है कि जैसे आप हीरो फिनकॉर्प के लिए काम कर रहे हैं, तो जब तक हीरो फिनकॉर्प आपको ऑथराइज नहीं करेगा, अब सुभाकर ने किसी को बैठा के बोल दिया चलो तुम कॉल करो, ऐसी कोई नहीं मैं देख लूंगा, अब ऑडिट में पकड़ा गया तो फिर क्या होगा, वो तो फिर इशू क्रिएट होगा ना। तो ऐसा ही कुछ उसको पता था बोरोवर को, उसने बोला अपना आईडी कार्ड दिखाइए, वो बहाना मानने लगा कि मैं भूल गया, ये हो गया हो गया, उसने कंप्लेंट डाल दी कि एक अनऑथराइज डीआरए को मेरे घर पे भेज दिया कलेक्शन करने के लिए, आरबीआई में कंप्लेंट डाल दी। आरबीआई ने क्या किया,
बैंक के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा दिया कि एक अनऑथराइज डीआरए को आपने कैसे भेजा, है ना। आरबीआई ने बैंक के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा दिया कि एक अनऑथराइज डीआरए आपने घर पे कैसे भेजा। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, और हो चुकी है पिछले 2-3 साल में, कई ऐसे इश्यूज आए जिसकी वजह से बैंक को बहुत भारी हर्जाना भुगतना पड़ा, लाइसेंस तक चले जाते हैं कई बार बैंक के, जब बहुत बड़ा मेजर इश्यूज हो जाता है, लीगल केसेस हो जाते हैं बैंक के ऊपर। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो तो इसलिए डीआरए को एक सर्टिफिकेशन कराने के लिए आरबीआई ने मैंडेट किया। तो पहले क्या होता था, पहले ये कलेक्शन और रिकवरी का जो काम था वो ज्यादातर दबंग टाइप के लोगों को दे दिया जाता था। दबंग समझते हैं आप, जो होते हैं ना हर मोहल्ले में कॉलोनी में कुछ मवाली, जिनसे 2-4 लोग अलग हटके चलते हैं कि भैया इससे बोलना बेकार है, ऐसे लोगों को दे देते दे थे। अब ऐसे लोगों को अगर आपने बोल दिया कि हमारा पैसा ला के दीजिए, वो जाके हाथ तो जोड़ेगा नहीं, और ना वो सर मैडम करके बात करेगा, क्योंकि उसका अप्रोच ऐसा है ही नहीं, वो तो जाएगा और आपको मालूम है क्या करेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे जब अप्रोच हुई तो कई बार ऐसी चीजें सामने आई कि एक पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, ऐसे कई केसेस हुए। अभी 2 साल पहले उत्तम नगर की बात है, ये दिल्ली में, एक क्रेडिट कार्ड के केस के चक्कर में एक पूरी फैमिली ने 4th फ्लोर से जंप कर दिया। इसी डीआरए ने कुछ ज्यादा उनको हैरास कर दिया, वो प्रेशर में आके उन्होंने 4th फ्लोर से जंप कर दिया। तो ऐसी चीजें ना हो, और आरबीआई ने बोला कि जिन लोगों को आप लगा रहे हैं काम में, कम से कम उन्हें बताइए तुम करना क्या है, या कुछ भी कर डालेंगे, कुछ तो सब तो नहीं करेंगे ना, ये कुछ भी कर ला लेंगे, इन्हें कम से कम बताइए तरीका बात करने का, मिलने का, जुलने का, कॉल करने का। अगर प्रेशर भी डालना है तो थोड़ा एक लिमिट तक डालें, ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल सब कुछ भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए ट्रेनिंग आप लोगों को कराई जा रही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस है जो आप पढ़ेंगे, जो आप डीआरए का काम करते हैं उसको भी आप समझेंगे, धीरे धीरे काफी सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी, उसको आप समझेंगे, है ना। तो ओवरऑल बैंकिंग का बिजनेस और आपका रोल क्या है, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा था आप लोगों को, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हाँ, और अगर डाउट है किसी को तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग बैंक तक पहुंच गए थे, बैंक के काम क्या होते हैं हमने देख लिया है ना। अब हम बात करेंगे आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आज से नहीं है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से हमारी कंट्री में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बनाया गया था भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बनाया गया, उससे पहले एक एक्ट पास किया गया था। एक्ट समझते हैं आप, कानून। हमारे साथ दो वकील हैं, वो बताएंगे बहुत अच्छे से सब चीजों के बारे में, जहां भी एक्ट शब्द आएगा बताया होगा ना। मॉर्निंग में हमारे साथ में दो लॉयर भी हैं इस बैच में। यस सर उनकी फैमिली से एक बच्चा और अभी डीआरए करके गया था 2 महीने पहले हमारे यहाँ से। सर, आपकी फैमिली में सभी लॉयर हैं क्या? तीन नहीं, बस 3 ही अभी। ही है, तो मुझे लगा मैं सभी लॉयर है क्या, क्योंकि वो भी लॉयर है ना, हाँ आयुष भी। हाँ आयुष तो एक एक्ट पास किया गया, आरबीआई एक्ट 1934, है ना। इस एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले जब ये आरबीआई बना तो ये कैलकाटा में था, इसका स्टेब्लिशमेंट कैलकाटा में हुआ था अप्रैल 1, 1935 में।
लेकिन क्या है कि बाद में मुंबई बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ बिजनेस के लिए, तो वहां पे इसके आरबीआई को मुंबई 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, और अब तब से अब तक उसका हेड ऑफिस अब मुंबई में ही है आरबीआई का, है ना। तो जब देश आजाद हो गया हमारा कब हुआ था? हाँ 15 अगस्त 1947। चलिए ये तो पता है, नाइनटीन नहीं बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता सेवन ही होता, तो मैं होता पहले था, नाइनटीन इसलिए पूछा मैंने कि कई बार बच्चों को बहुतों को नहीं पता फोर्टी होता। तो आपका ये जो देश जब आजाद हुआ हमारा, तो 1949 में आरबीआई को भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया पूरी तरीके से। पहले ये ऑटोनोमस था, देश आजाद होने के बाद अपने अंडर में ले लिया फुली। फुली मतलब ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर में, इसमें किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री का या प्राइवेट किसी पर्सन का शेयरिंग नहीं है इसके अंदर अभी तक, आगे पता नहीं, अभी तक तो नहीं है, है ना। तो जब नहीं। आरबीआई को नहीं। सरकार ने अपने अंडर में ले लिया तो हुआ क्या कि इसको अब जिम्मेदारी दे दी गई। जिम्मेदारी क्या दी गई कि अब जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री है पूरी इंडिया की, जितने भी बैंक्स हैं, उन सबको लाइसेंस देने का काम, एनबीएफसी को लाइसेंस देने का काम, किसी को डी लाइसेंस करना, डी लाइसेंस मतलब काम अच्छे से नहीं कर रहा लाइसेंस कैंसिल कर दो, उनको मॉनिटर करने का काम, ऑडिट करने का काम, पॉलिसीज बनाने का काम बैंकिंग की, सब आरबीआई को दे दी गई कि आप करेंगे। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है करेंसी प्रिंट करने का काम, और उस करेंसी का सर्कुलेशन करने का काम भी आरबीआई को दे दिया। तो करेंसी कैसे आप तक कैसे पहुंचती है? आरबीआई बैंक तक पहुंचाता है, बैंक अपने अपने जगह पे पहुंचाते हैं अलग अलग, जहां जहां उनकी ब्रांचेस होती है, और उन्हीं के जरिए आपके पास करेंसी आ जाती है ना। आप लोगों का सैलरी आता होगा आपके अकाउंट में, तो यस आकर नोट तो देता नहीं होगा, आप बैंक से ही लाते होंगे, है ना। तो वही है कि करेंसी जो है, करेंसी का सर्कुलेशन आप तक पहुंचता है बैंक के थ्रू, आरबीआई उसको बैंक के थ्रू पहुंचाता है अलग अलग जगह पर देश के। तो अब देखिए इतना बड़ा भारत है, मैं भारत शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मोदी जी ने बोला है और भारत बोली है, तो मैं भारत यूज कर रहा हूँ, है ना। इंडिया यूज करना नहीं, अब बोले कि भारत भारत शब्द यूज करना है, अभी तक तो इंडिया बोलते थे हम लोग, लेकिन मैच में नहीं सुना मैंने भारत की टीम, वहां पे इंडिया इंडिया अल्लाह बेचारे थे सब, है यहाँ पे क्यों नहीं बोला, मोदी जी सामने बैठे हुए हैं। चलिए तो क्या है कि ये जो देश हमारा इतना बड़ा है और इसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे, अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की कम से कम 22-23-24 हज़ार ब्रांचेस हैं पूरे देश के अंदर, ऐसे पता नहीं कितने बैंक हैं, पीएनबी का कनाड़ा बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, रूरल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, अभी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे इन सबके बारे में। तो ये सारे बैंक जो हैं, इन सबको ऑडिट करना, मॉनिटर करना मुंबई से बैठ के तो पॉसिबल नहीं है एक जगह से, तो इसलिए आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब उसकी ब्रांचेस और जगह भी खोली गई, ताकि अलग अलग जोन बनाए गए, और उन जोन में जो आरबीआई की ब्रांच है अपने अपने जोन को देख सके, जो भी जिम्मेदारियां हैं उनकी अपने अपने जोन में आने वाले बैंक्स को वो कर सके जिम्मेदारियों को पूरा। तो ये हमारे आरबीआई का रोल है, और आरबीआई को हम फादर ऑफ बैंक या बैंकर टू गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी सरकार का बैंकर है वो, पब्लिक के साथ डील नहीं करता वो, है ना, सरकार की मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने में भी मदद करता है, और सरकार का बैंकर है वो, सरकार का बैंकर है मतलब सरकार के लिए काम करता है वो, पब्लिक के लिए नहीं, पब्लिक डीलिंग नहीं करता है वो, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो अब मैं सोचता हूँ आपको आरबीआई के बारे में समझ में आ गया, अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताएं आप लोग।
आप में से मुझे कौन कौन जानता है पहले से? कोई जानता है? नहीं। कनेक्शंस में नाम सुना होगा पुराने बच्चों से? हाँ नाम यस सुना सर, होगा। जी सर, नाम सुना। काफी सारे बच्चे आपकी आपकी बिंग से मैंने कर लिए हैं। आप लोगों का 10वां बैच है ये अब कनेक्शंस का। वैसे मैंने के ब्लॉक के भी बहुत सारे बैच किए हैं आपके। के ब्लॉक में ना आपका ऑफिस, वहां भी बहुत सारे बैच किए हैं मैंने। काफी टाइम से हम कनेक्शंस के सर्टिफिकेशन करने का काम कर रहे हैं कनेक्शंस के साथ। तो हम आरबीआई का अब रोल समझ चुके हैं। यहाँ अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। किसी को कोई डाउट है तो अभी तक? है कोई डाउट? नहीं है? शर्मा मत, अगर कुछ है तो बताओ। और एक बात है, सब अगर कैमरा ऑन करके रखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो कैमरा बंद कर कर आप लोग चले जाएंगे ना तो मेरा भी इंटरेस्ट खराब हो जाएगा पढ़ाने में। मैं भी सोचूंगा कि यार पढ़ना नहीं चाह रहे ये लोग। फिर ऑडिटर भी आके बेकार इशू करेगा, बार बार बोलेगा कि ये क्या हो रहा है आपके बैच में। कोई इशू करते हैं ना तो सारे लोग कैमरा ऑन करके रखिए। कभी कभी चलिए बंद करना समझ में आता है, अब कंटिन्यू बंद करके रखेंगे तो कैसे चलेगा फिर, है ना? कैमरा ऑन करके रखिए सब अपना। अविनाश, नकुल, मनीषा, सब कैमरा ऑन कीजिए अपना। प्रियंका यादव, कैमरा ऑफ करके लेट जाते हैं क्या आप लोग? कि कहीं लेट वेट कर तो ट्रेनिंग नहीं कर रहे ना, कि यहाँ सर के सामने बैठना नहीं है। बैठ जाइए, योगा की ट्रेनिंग नहीं है, बैठ के कीजिए, है ना? लेट वेट मत जाना। चलिए तो अब आगे आरबीआई तक हम पहुंच गए। अब मैं आपको बताता हूँ शेड्यूल बैंक्स के बारे में। इसको आप सुनेंगे शेड्यूल बैंक्स क्या होता है। अभी 5 मिनट हुए हैं हमारे लंच ब्रेक में, थोड़ा भी डिस्कस करते हैं, फिर लंच के बाद भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना? जी सर, तो अभी मैंने आप लोगों को आरबीआई एक्ट के बारे में बताया 1934, जिसके अनुसार आरबीआई बनाया गया। तो आरबीआई एक्ट में अलग अलग शेड्यूल बने हुए हैं। शेड्यूल मतलब सूची बनी हुई है अलग अलग बैंकों की। बहुत सारी कैटेगरी के बैंक्स है तो उनके अनुसार अलग अलग सूची बनी हुई है, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है? आरबीआई एक्ट के अंदर तो आरबीआई एक्ट में एक शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है? सेकेंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल। हाँ, हाँ सर, तो इस सेकंड शेड्यूल के अंदर जिन जिन बैंकों को शामिल किया गया है, ठीक है, उन सभी को हम शेड्यूल बैंक के नाम से जानते हैं। हिंदी में उसे हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिन जिन बैंकों को शामिल किया गया है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? शेड्यूल बैंक्स कहते हैं, ठीक है? आरबीआई एक्ट 1934 का एक सेकंड शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब सूची बनी हुई है बैंक की। तो जो जो बैंक उस सूची में शामिल कर लिए जाते हैं, उन सभी बैंकों को हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली है, रिनाउंड फैमिली है, मान लो अंबानी फैमिली है, तो जो जो बच्चा उसमें होता चला जाएगा वो अंबानी फैमिली का पार्ट बनता चला जाएगा, है ना? कि ये अंबानी फैमिली का हिस्सा है, ये कह सकते हैं ना, ये अंबानी फैमिली का हिस्सा है। अब कोई आके बोले कि, अब मान लो कोई कोई भी बोले मैं तो अंबानी हूँ, भैया कैसे अंबानी हूँ? ऐसे थोड़ी है, शामिल हुए होगे तभी तो अंबानी है ना। तो ऐसे ही क्या है कि आरबीआई बैंक, आरबीआई जो एक्ट है 1934, उसमें आरबीआई क्या करता है कि कुछ नॉर्म्स होते हैं उन बैंक को शामिल करने के लिए। अगर वो नॉर्म्स पूरा हो रहा है तो उसे वो शेड्यूल बैंक में शामिल कर लेगा। तो कोई भी बैंक शेड्यूल बैंक में शामिल होना क्यों चाहता है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर कोई बैंक का नॉर्म्स पूरा होता है तो वो शेड्यूल बैंक में शामिल इसलिए होना चाहता है कि अगर वो शेड्यूल बैंक में शामिल हो जाता है कोई बैंक, तो आरबीआई की तरफ से मिलने वाली जो सर्विसेज हैं उसको वो कंसेशनल रेट पे मिलने लग जाती है। आरबीआई उनको सपोर्ट भी करता है बहुत सारी चीजों में, है ना? तो आपको हालांकि इतना बड़ा
कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है कि कैसे होता है क्या होता है, वो आपका पार्ट है नहीं डीआरए का। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिन जिन बैंकों को शामिल कर लिया जाता है उन सभी बैंकों को हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। अब वो बैंक चाहे कोई सा भी हो जिसको शामिल कर लिया है, अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है ना, अगर वो उस नॉर्म्स को पूरा किया, आरबीआई ने उसको अपने सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लिया, तो वो शेड्यूल बैंक्स बन गया हो, है ना। तो अभी शेड्यूल बैंक्स में भी ऐसे भी मैंने नाम लिए है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट में भी कई सारे हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो अभी लंच के बाद हम उनको जानेंगे कि ये क्या होते हैं, है ना, लंच के बाद करेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट जितने भी हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तो रिक्वेस्ट ही करूंगा पहले दिन, है ना। तो उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हटाऊंगा फिर, अगर नहीं समझेंगे तो फिर यही होगा। तो सभी 2 बजे तक वापस आ जाएंगे, 2 बजे अपनी मर्जी से कोई भी लंच ब्रेक एक्सटेंड नहीं करेगा आप में से। 1:30 to 2 PM तक ही आपका लंच ब्रेक है। थोड़ा कम खाइए, जल्दी खाइए, जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन टाइम से आना है। कोई ये मत बोलना मुझे टाइम ज्यादा लगता है या मेरे को ऐसा करना, मुझे वैसा करना है, वो आप मैनेज करिए। 14 दिन के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं भी देखिए उसी टाइम आ जाऊंगा, मैं भी टाइम नहीं लूंगा, मैं भी 2 बजे आपको यही मिलूंगा एकदम, तो है ना। चलिए जाइए, ओके लंच सर, करने जाइए, फिर मिलते हैं। ओके सर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का, है ना। हम लोग ने अभी लंच से पहले बैंकिंग के पैटर्न और आपके रोल के बारे में समझा था। आरबीआई हम लोगों ने देख लिया कि आरबीआई का क्या रोल है। अब हम अपना आगे स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। अच्छा तो आपका पहला चैप्टर है मॉड्यूल ए के अंदर जनरल बैंकिंग, है ना। तो इसी में आपको अभी तक जो बता रहे थे वो यहीं से शुरू हुआ था कि मीनिंग ऑफ बैंक क्या होता है। तो बैंक के बारे में आपको बताया था कि बैंक का मीनिंग है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि एक इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है ना। और उसका रोल है कि इंटरमीडियरी के रूप में वो काम क्या करता है, इंटरमीडियरी के रूप में क्या काम करता है वो, इंटरमीडियरी के रूप में क्या काम करता है, बताया था ना आपको, पब्लिक से क्या करता है। बोरो करता है मनी, और सर लैंडिंग करता है मनी को। हाँ, पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में लेता है वो पैसा, है ना। हम बोरो शब्द यूज नहीं करते हैं, डिपॉजिट के रूप में पैसा लेता है वो पब्लिक से और उसी पैसे को मार्केट में लैंड कर देता है, उधार कर देता है ना। इस तरीके से वो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। और बैंक एक बैंकिंग कंपनी के रूप में काम करता है जिसके बारे में हमारा एक एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके सेक्शन 5B के अंदर बैंकिंग शब्द के बारे में डिफाइन किया गया है। फिर हम लोगों ने देखिए बात की थी फंक्शंस ऑफ बैंक के बारे में, क्योंकि तो बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो बैंक के फंक्शंस में हमने देखा था कि ट्रेडिशनल फंक्शंस और अदर फंक्शंस हैं। ट्रेडिशनल फंक्शंस का मतलब है कोर वर्क से जो बैंक शुरू से स्टार्टिंग से करता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अपना ट्रेडिशनल फंक्शंस कहते हैं उसे हम। यानी जब से बैंक शुरू हुआ तब से जो काम वो कर रहा है उसे हम ट्रेडिशनल फंक्शंस या मेन फंक्शंस या कोर फंक्शंस कहते हैं। कि वो डिपॉजिट लेना, लैंडिंग करना और फंड रेमिटेंसेस। फंड रेमिटेंसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फंड रेमिटेंसेस को पैसे ट्रांसफर करना, है ना, रेमिट करना, ट्रांसफर करना। इसके अलावा जो भी वो काम करता है बैंक, इन तीनों के अलावा वो अदर फंक्शंस में आ जाते हैं हमारे। तो अदर फंक्शंस में भी दो फंक्शंस हैं, मिसलेनियस सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो मिसलेनियस सर्विसेज में जो वो अलग अलग प्रकार के काम करता है, डीडी बनाना, लॉकर की सुविधा देना, सेफ कस्टडी की सुविधा देना, है ना, इस तरह की जितने भी वो काम करता है
उसे हम मिसलेनियस सर्विसेज में रखते हैं, अनेक प्रकार के काम। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जब बाद में आया तो ये भी अदर फंक्शंस में डाल दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब है वो सभी काम जहां पर कस्टमर को ब्रांच में जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे आज आप देखते हैं कि आपको पैसे निकालने के लिए ब्रांच में नहीं जाना पड़ता, नहीं पहले कहाँ जाना पड़ता था पैसे निकालने के लिए, ब्रांच में जाना पड़ता था। लेकिन अब आपको एटीएम मिल गया, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो कस्टमर को दिया गया वो है एटीएम कार्ड। तो एटीएम से अब आप अपना पैसा किसी भी जगह से निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग की सुविधा मिल गई कि अब आप खुद ही अपना पैसा कहीं जमा ट्रांसफर करना है ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप धीरे धीरे आपने देखा कि पेमेंट बैंक भी आ गया, अब आप मोबाइल के थ्रू ही पूरे दिन लेन देन करते रहते हैं पेटीएम के थ्रू, है ना। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के एक तरीके से एग्जाम्पल है कि किस किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने ये देखे फंक्शंस, हम हालांकि पहले डिस्कस कर चुके थे लेकिन अभी और आपको बता दें। आप लोग है ना ये सब आपको दे देंगे, आप लिखने पे ध्यान ज्यादा मत दीजिए, अभी सुन लीजिए, मैं करा दूंगा ये सब आपको, आप परेशान मत होइए, आपको मिल जाएगा ये सब। आपको ना वीडियो दे देंगे इसका जो करा रहे हैं आज, आपको वीडियो भेज देंगे, तो वीडियो को दोबारा देखना सुनना, और उससे क्या होगा कि दोबारा आपको पता भी चलेगा क्या क्या पढ़ाया, और उसमें से नोट बना लेना, ये सारी स्लाइड उसमें नजर आएंगी आपको सबको। अभी लिखने पे ज्यादा ध्यान देंगे ना तो फिर होगा क्या कि आप लिखने में हो जाएंगे और जो चीज बताई जा रही है ना वो भूल जाएंगे आप फिर, है ना। तो सुनने पे ध्यान दें, जब लिखने की बात हम करेंगे तभी लिखना आप लोग, अभी रहने दीजिए। तो अब हमारा है फीचर्स ऑफ बैंकिंग, कि बैंकिंग का फीचर क्या क्या है। तो बैंकिंग का फीचर ये है कि बैंक मनी के साथ डील करता है, डीलिंग इन मनी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप देखते हैं कि बैंक के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई अकाउंट खुलवाने आया है, कोई पैसा जमा करने आया है, कोई चेक लेने आया है, कोई चेक जमा करने आया है, कोई लोन लेने की सुविधा के बारे में पता करने आया है, एट लास्ट जो भी इसका लेन देन है ना वो सबका सब मनी से ही है, पैसों से ही है ना। तो सारा डीलिंग बैंक का क्या है, फंड के साथ ही है, एक तरीके से पैसे के साथ ही है। इसलिए बैंकिंग जो फीचर है हमारा वो ये है कि बैंक मनी के साथ डील करता है। दूसरा बैंकिंग का फीचर ये कहता है कि डिपॉजिट मस्ट बी विड्रॉएबल, ये बहुत जरूरी है। जो हम अभी बात कर रहे थे ना आप मॉर्निंग में कि बैंक होता है और एक एनबीएफसी होता है ना। तो एनबीएफसी तो सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फाइनेंस का काम कर सकता है, डिपॉजिट तो लेता नहीं है वो, है ना। डिपॉजिट तो बस उसी का लेगा जो उसने लोन दिया, उसका इंटरेस्ट ईएमआई लेगा, वो एक अलग बात है। वैसे अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट नहीं ले सकता, है ना। अब है डिपॉजिट मस्ट बी विड्रॉएबल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कस्टमर ने जो भी पैसा जमा किया है तो बैंकिंग ये कहती है कि वो पैसा जब भी मांगेगा बैंक को उसका पैसा देना पड़ेगा। अब मान लो कविता है, कविता ने अपने बैंक का पैसा जमा कर रखा है, अब इनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, मान लो इन्हें घूमने जाना है नए साल पर, उन्होंने कहा कि 20-25 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ेगी, अपने बैंक में गए और पैसा विड्रॉल करने के लिए गए, बैंक में ब्रांच में गए या एटीएम से गए, किसी भी जगह से चलिए, जो से भी विड्रॉल करना है वो इनकी मर्जी है, बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया, बोला कि आपका पैसा तो हमने प्रीति को उधार दिया था, प्रीति दे नहीं रही, जब वो देंगी तो आपको दे देंगे। तो क्या बैंक ऐसा कह सकता है, नहीं कह सकता ना ऐसा।
बैंक ऐसा नहीं कह सकता हूं कि अगर उसने ऐसा बोल दिया तो उसका सिंपल सा मतलब यह है कि ये बैंक बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया ये बैंक, इसका सिंपल सा मतलब ये है। अगर ऐसा कहा तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी पैसे निकालने वालों की। क्योंकि तो आज के टाइम पे क्या होता है, कविता को जैसे ही मना किया बैंक ने, कविता सबसे पहले गुस्सा निकालने में व्हाट्सएप पे भेज देगी 10 लोगों को, ये बैंक पैसा नहीं दे रहा जी। तो ये बात 1 मिनट में पता नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, व्हाट्सएप इतना तेज है। आप किसी को एक मैसेज करिए, 100 लोगों को कोई मैसेज कर दीजिए, वो 100 लोग बिना देखे सोचे समझे पता नहीं किस किस को मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसा कोई मैसेज अगर होता है। ऐसे में क्या होगा, लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो जाएंगी। इसका असर सिर्फ कविता के बैंक पे नहीं पड़ेगा, इसका असर बाकी सारे बैंक पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी का किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, वो सोचेगा कविता के बैंक में ऐसा हो गया तो मेरे बैंक में भी हो सकता है, वो भी अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में लग जाएंगे। मार्केट जो है ना, वो सेंटीमेंट पे चलता है ना, इसका असर होता है मार्केट पे। तो कह कि बैंकिंग का फीचर यह है कि पैसा विड्रॉल, जो डिपॉजिट जमा किया था कस्टमर ने, वो विड्रॉल कर सकता है किसी भी टाइम, बैंक उसको मना नहीं करेगा इसके लिए, है ना। ये बैंकिंग का फीचर है। डीलिंग विथ क्रेडिट, डीलिंग विथ क्रेडिट का मतलब क्या है? डीलिंग विथ क्रेडिट का मतलब यह है कि बैंक उधारी की सुविधा भी देता है, अलग अलग प्रकार के लोन देता है ना, जिसको जैसे लोन की जरूरत है। अगर उसका क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो अगर मैच करता है तो वो उसको क्या कर देता है, लोन की सुविधा दे देता है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है, उसकी लोन चुकाने की कैपेसिटी को चेक करता है बैंक कि ये पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो उसमें हम उसके अलग अलग कंपोनेंट को चेक करते हैं, अगर हमें लगता है कि पैसा दे देगा वापस तो हम उसको लोन दे देते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल इन नेचर। तो कमर्शियल इन नेचर का मतलब क्या है, कमर्शियल इन नेचर का मतलब यह है कि बैंक जो भी काम कर रहा है वो कमर्शियल नेचर का है। कमर्शियल मतलब प्रॉफिट के लिए कर रहा है वो काम, है ना, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, वो चैरिटी के लिए नहीं करता कोई काम, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए कर रहा है वो जो भी काम कर रहा है, पैसा लेता है हर चीज का। आप कुछ भी काम कराएंगे बैंक में, बैंक आपसे पैसा लेगा हर चीज का, लेगा नहीं लेगा? आप बोलेंगे चेकबुक दे दो, वो दे देगा आपको, लेकिन चेकबुक का जो चार्जेस है वो लेगा। आप कहेंगे एटीएम दे दीजिए, एटीएम भी दे देगा, लेकिन एटीएम का जो चार्जेस है वो भी आपसे लेगा। आप जो भी ट्रांजेक्शंस करेंगे जो फ्री है, 5 ट्रांजेक्शन चल दिए फ्री हुए तो वो नहीं लेगा, उससे आगे करेंगे तो उसके चार्जेस लेगा। आप किसी को फंड ट्रांसफर करने के लिए कहेंगे वो भी आपसे चार्जेस लेगा, है ना। आप कहेंगे कि मैंने किसी क्लब का मेंबरशिप ले रखा है, मेरे अकाउंट से हर महीने पैसे जमा कर देना, वो जमा तो कर देगा लेकिन उसका भी चार्जेस लेगा आपसे, है ना। सब चीज के पैसे लेता है बैंक, फ्री में नहीं करेगा कुछ भी, इसलिए हम उसे कमर्शियल नेचर का कहते हैं। अब है नेचर ऑफ एजेंट। एजेंट कौन होता है? एजेंट से क्या समझते हैं आप, एजेंट क्या होता है? पुराने जमाने में रामायण देखी आप सबने? रामायण देखी है? देखी जी होगी। सर, यस सर, उसमें दूत होते थे, दूत, यस हाँ सर, देखा होगा ना, जी सर, जब हनुमान जी लंका पहुंचाते तो रावण पूछता है ना, कौन हो तुम, किसने तो भेजा है भाई तुमको? तो मैं हूं राम का दूत, है ना, श्री राम ने भेजा है मुझे, कहते यस थे सर, ना, तो वही, उसी को हम एजेंट कहते हैं। पुराने जमाने में वही एजेंट होते थे। तो अब एजेंट बैंक एजेंट के रूप में कैसे काम करता है, ये वो यहाँ पे कहेगी, बैंक एजेंट के रूप में भी काम करता है। कैसे करता है वो, अब जैसे मान लो कि अमायरा है, अमायरा ने किसी हेल्थ क्लब की मेंबरशिप ले ली है, उन्होंने अपने बैंक को बताया कि मैंने ये हेल्थ क्लब की मेंबरशिप ली है जिसका 2,000 रुपये महीना चार्जेस है, आप मेरे हेल्थ क्लब को ये पैसे हर महीने इस डेट पे कर दीजिए मेरे अकाउंट से।
तो जब वो पैसे वहां पे करेंगे हेल्थ क्लब में, तो हेल्थ क्लब वाला पूछेगा ना, भैया किसका पैसा है ये? जी अमायरा का पैसा है, अमायरा ने आपकी मेंबरशिप ली है, मैं उनके लिए ये पैसे आपके पास लेकर आया हूँ, तो मैं अमायरा का एजेंट हूँ। बैंक क्या आएगा, अमायरा का एजेंट हूँ मैं। अमायरा ने कहा था कि मेरे अकाउंट से इस क्लब को मेंबरशिप फी पे कर दीजिए आप। आप ये भी समझ सकते हैं आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो आप मान लीजिए कि आपने नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप ले लिया, मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, तो आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कटेंगे ना। नेटफ्लिक्स वाले को कैसे पता चल रहा है कि ये पैसा भैया प्रीति प्रीति पे कर रही है, प्रीति ने मेंबरशिप ली है, उसे कैसे पता चल रहा है? उसे बैंक बता रहा है ना, किसका? प्रीति का। बैंक बता रहा है कि ये पैसा प्रीति का है जो मैं आपको पे कर रहा हूं, और मैं उसका कौन हूं? बैंक एजेंट हूं, बैंक हूं, और पैसा। एजेंट के रूप में आपको पैसा दे रहा हूं, है ना? क्योंकि तो प्रीति ने मुझे कहा था, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको। तो बैंक एजेंट के रूप में भी काम करता है, तो जो बैंकिंग हमारी है वो नेचर ऑफ एजेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, आया समझ? करुणा समझ में आया? अच्छा, सर थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। कल आप रात में शायद लेट तक जागे होंगे। नहीं सर, मैं सो नहीं रही थी, मैंने बस हाथ रख रखा नहीं, मुझे लगा कल आप शादी में थे ना, मैंने कहा लेट तक जाग रहे हो आप। था। नहीं सर, कल आपको स्टाफ ने कॉल किया तो आप शादी में थे उस टाइम पे। शादी में थे। हाँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लेट तक जाएंगे। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, आ जाएगा समझ। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा रिवाइज कराएंगे आपको इसका। ठीक, ठीक है सर। तो ये हमारा फीचर्स ऑफ बैंकिंग है। आगे देखते हैं हम लोग, आरबीआई आ गया। अब आरबीआई के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है जो हमने मॉर्निंग में बताया था कि आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर बनाया गया था, अप्रैल 1, 1935 में कलकत्ता में स्टेब्लिश किया गया था इसको, है ना। 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया परमानेंटली, अब इसका हेड ऑफिस मुंबई में ही है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चली गई तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फुली अपने अंडर में ले लिया और इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, है ना। ये हमारा आरबीआई का फॉर्मेशन था, जिसके बारे में मॉर्निंग में काफी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब यहाँ से है अपना मेन, जो हम मॉर्निंग तक, अभी तक तो यहाँ तक मॉर्निंग में ही बता चुके थे आपको, अब नया शुरू हो रहा है आपका। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर का मतलब कि एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम को चलाने की जो संरचना है, कि कौन कौन से बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम को चलाते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो मेजरली ये चार कैटेगरीज हैं जो हमारे बैंक की, शेड्यूल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ये कैटेगरीज हैं जो ज्यादातर, ये चार कैटेगरी के जो बैंक हैं यही हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को रन करते हैं, तो इनके बारे में वन बाय वन समझेंगे हमको। तो शेड्यूल बैंक के बारे में हम अभी मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट हाफ में लंच से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था शेड्यूल बैंक को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई एक्ट जो हमारा था, है अभी भी आरबीआई एक्ट 1934, उसमें अलग अलग शेड्यूल बने हुए हैं। शेड्यूल का मतलब क्या बताया था, सूची बनी हुई है, अलग अलग लिस्ट बनी हुई है ना, और सिंप्लीफाई करें तो हम उसे लिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो शेड्यूल ही यूज होगा, उसे आप शेड्यूल ही बोले। वैसे समझने के लिए आप उसको कह सकते हैं लिस्ट, लेकिन उसे हम शेड्यूल बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी है ना, वो शेड्यूल होता है। ठीक है, क्योंकि हर इंडस्ट्री की एक अपनी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। वैसे अगर आप लॉ में जाएंगे तो लॉ में बैटरी जो शब्द होता है वो अलग सेंस में यूज हो जाता है, और वैसे अगर आप बैटरी बोलेंगे कोई तो बैटरी आप मोबाइल का बैटरी या किसी भी चीज का बैटरी समझेंगे, लेकिन लॉ में उसका मतलब अलग निकल जाता है ना। तो ऐसे ही शेड्यूल बैंक जो है, शेड्यूल शब्द आप यूज करेंगे। शेड्यूल बैंक का मतलब क्या है, तो हमारे आरबीआई एक्ट जो था 1934, उसमें अलग अलग जो शेड्यूल बने हुए हैं,
तो उनमें सेकंड शेड्यूल जो है हमारा, और उस शेड्यूल में जितने भी बैंकों को शामिल किया गया है ना, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिन जिन बैंकों को शामिल कर लिया गया है वो क्या होंगे, शेड्यूल बैंक होंगे, और जो इस शेड्यूल में शामिल नहीं है उनको हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है, या तो बैंक शेड्यूल होगा या नॉन शेड्यूल होगा। तो जो बैंक सेकंड शेड्यूल में शामिल है उनको हम शेड्यूल कहेंगे, और जो सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं है उन्हें हम नॉन शेड्यूल कहेंगे। अगर आप देखेंगे बैंक का जहां भी वो लगा होगा ना, बड़ा बोर्ड लगा होगा, तो उसके नीचे लिखा होता है ये कि ये बैंक शेड्यूल बैंक है या अनशेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक है, सॉरी, है ना, लिखा होगा उधर। देखना, आपका भी ध्यान देना, किसी बैंक में जब जाएंगे ना तो उसका मेन बोर्ड देखना जहां लगा होगा, उसमें लिखा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो बैंक हैं उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं, कितने लोग हैं, नाम बताओ, नाम यस सर, अविनाश नाम बोल दिए। कुमार सर, अविनाश, ठीक है, करुणा, अविनाश और कोई, चलिए दो हैं, सर, अंशु, ठीक है, ठीक अंशु सर, है, मैं ठीक भी नकुल सुनी, है, ओके, ठीक सर। है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं ना वो थोड़ा ये ध्यान रखें कि हिंदी के शब्द याद करने साथ साथ, है ना, थोड़ा हिंदी के शब्दों को याद रखना है आपको। मीनिंग तो सेम ही रहेगा, मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मेन हेडिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, मेन हेडिंग जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो क्या है ये शेड्यूल बैंक्स हो गया, पब्लिक्स, अब इनका वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहला है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, इसको रहने दीजिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है इसके बारे में समझेंगे हम। देखिए, आम तौर पर जो लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे ना ये क्या है, तो वो उसको सरकारी बैंक बोलते हैं, कहता ना मेरा खाता तो सरकारी बैंक में खुला हुआ है, सुना होगा बोलते हुए लोगों को आपने। लेकिन हम लोग बैंकिंग में है तो हमें स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ेगा एग्जाम के लिए भी, हम इधर सरकारी शब्द तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तो सरकारी यूज करेंगे ना सरकारी में तो बहुत सारे बैंक आ जाएंगे, अलग अलग और भी बैंक है, लेकिन हम यहाँ सरकारी शब्द यूज नहीं करेंगे, हमें यूज करना है पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं हम इन्हें, इसको समझ लिए आप, है ना। देखिए क्या है कि कोई भी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में तभी आएगा जब उसका कम से कम 51% यानी 51% शेयर या कैपिटल, कैपिटल कहते हैं पूंजी, वो भारत सरकार के द्वारा लगाई गई हो। यानी कोई भी बैंक जो बनाया उसमें कम से कम 51% शेयर या कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट की हुई हो उसके अंदर, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम 51% होना चाहिए, तभी हम उसे सरकारी कहेंगे, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे, है सर एक और बार बता सकते ना। हैं आप? हाँ, हम एक और बार क्या दो बार ही बताएंगे, बस आप ध्यान दीजिए, है ना। लेट तक मत जागा करिए वरना दिन में आपको यही प्रॉब्लम होगा, फोकस नहीं लग पाता, फिर शादियों का सीजन चल रहा है, थोड़ा जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना वो अटेंड अवॉइड करें, क्योंकि तो वरना ट्रेनिंग में फोकस नहीं लग पाएगा आप लोगों का फिर। चलिए, हम किसी भी बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक तब कहते हैं जब उसमें कम से कम 51% शेयर भारत सरकार का लगा हुआ हो। कोई भी बैंक है उसमें 51% जो पूंजी है या शेयर है
तो भारत सरकार ने लगाया है ना, तो उस बैंक को हम क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहेंगे उसे। एक तो ये फीचर है इसका। दूसरा फीचर क्या कहता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, कि इंडिया में जो टोटल बिजनेस है हमारा है ना, किसका, बैंकिंग का जो बिजनेस है टोटल, तो अगर आप देखेंगे कि बैंकिंग बिजनेस में इंडिया में सभी सभी बैंक काम कर रहे हैं, जितने भी बैंक हैं सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन तो दे ही रहे हैं ना, दे रहे या नहीं दे रहे हैं? जितने भी बैंक हैं यस सभी दे रहे हैं। तो ये जो बैंक है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, वो टोटल बैंकिंग बिजनेस में 72% शेयर जो बैंकिंग बिजनेस का है वो इन्हीं का है, इन्हीं से हमारा बिजनेस होता है। 72% बिजनेस बैंकिंग का वो पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू ही है। बाकी जो बचा 28% है उसमें कई सारे और बैंक आ जाते हैं। 72% बैंकिंग बिजनेस इन्हीं के पास है, पूरे इंडिया के बैंकिंग बिजनेस, इंडिया का जो पूरा बैंकिंग बिजनेस है उसमें से 72% बिजनेस इन्हीं बैंक के पास है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनकी ब्रांचेस ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा है, डिपॉजिट ज्यादा है, और डिपॉजिट ज्यादा होगा तो लोन भी मार्केट में ज्यादा होगा इनका। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके घर के पास कई सारे जनरल स्टोर होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा होगा वो बहुत ज्यादा चलता होगा, उसके कस्टमर ज्यादा है इसलिए वो अमीर है ना। आप कह रहे हैं ये वाला जनरल स्टोर वाला बहुत अमीर है, क्यों अमीर है वो, उसके कस्टमर ज्यादा है। ऐसे ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इसका इतना बड़ा शेयर क्यों है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बैंकिंग बिजनेस में, क्योंकि इनके पास कस्टमर ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा है तो ब्रांचेस भी ज्यादा होंगी, पैसा भी इनके पास डिपॉजिट ज्यादा होगा, और डिपॉजिट ज्यादा है तो ऑब्वियसली लोन भी ज्यादा होगा मार्केट के अंदर, है ना। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंक के अलावा कुछ अपने साथ और भी सब्सिडरीज रन करता है। वो बैंक नहीं है लेकिन वो सब्सिडरीज है, जैसे कि SBI कार्ड का नाम सुना होगा आपने, SBI इंश्योरेंस का सुना होगा आपने नाम, वो बैंक नहीं है, वो उसकी अलग सब्सिडरीज है, यानी अलग कंपनी है वो उसकी अपनी, वो बैंक नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमारा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? SBI है यस ना, याद रहेगा। और टोटल बैंकिंग सर, बिजनेस का 72% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू जनरेट होता है हमारा। और पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन फीचर यह है कि कोई भी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में तभी आएगा जब कम से कम 51% शेयर भारत सरकार का लगा हुआ होगा। यहां तक क्लियर है? नीचे वो नेशनलाइज जी बैंक भी लिखा हुआ है उसने, कि नेशनलाइज सर, बैंक क्या है इसको भी चलिए समझ लेते हैं, नेशनलाइज बैंक क्या है ना, नेशनलाइज बैंक के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, इसको बता देते हैं, ये एडजस्ट नहीं करते। नेशनलाइज शब्द बड़ा कॉमन है, सुना होगा सभी जगह आप लोगों ने नेशनलाइज, नेशनल तो सुना होगा, नेशनल चैनल। यस हाँ, क्या होता है नेशनल का मतलब, नेशनल किसे कहते हो? राष्ट्रीय, जो अपने वो राष्ट्रीय तो कहते स्टेट स्टेट लेवल पे हो गया ना, राष्ट्रीय हैं नेशनल। राज्य हो गया। हाँ, राष्ट्रीय मतलब
जो स्टेट लेवल पे होता है, नेशन। एक तो वो तो राज्य होता है, एक है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब नेशनलाइज्ड। तो क्या है इसका मतलब, क्या समझते हैं आप इससे कि किसको कहते हैं हम नेशनलाइज, क्या होता है नेशनलाइज्ड? अभी बैंक छोड़िए, हम सिर्फ नेशनलाइज का मतलब समझते हैं। जो सभी नेशनलाइज किसे राज्यों में कहते हैं? होता है वो बैंक। जो सभी राज्यों में होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं। और नेशनल लेवल पे होगा वो। नेशनल लेवल पे यानी पूरे देश में उसकी अवेलेबिलिटी है, ऐसा बैंक जिसकी अवेलेबिलिटी पूरे देश में है, चाहे वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है या मेट्रो सिटीज है, उसकी ब्रांचेस सभी जगह पे अवेलेबल है। तो ऐसे बैंक को हम नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो हमारे अभी जो करंट में नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक है वो 12 रह गए हैं, पहले ज्यादा थे, तो 12 इसलिए रह गए क्योंकि बीच में कुछ बैंक एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिए गए। जैसे सिंडिकेट बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है ना, सॉरी, सिंडिकेट बैंक को कनाडा बैंक में मर्ज कर दिया गया और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। ऐसे आपने सुने होंगे कई सारे बैंक आपस में मर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो इनको इसलिए इनका नंबर ऑफ बैंक जो है वो कम हो गया, पहले ज्यादा था, अब 12 है करंट में अभी इस समय। अच्छा ये बताइए कि कभी आप लोगों ने सुना होगा बैंक मर्ज कर दिए गए या बैंक मर्ज कर दिए जाते हैं, तो क्यों होता है ऐसा, क्या जरूरत पड़ती है, क्यों मर्ज कर देता है बैंक कोई, आरबीआई क्यों बैंक को मर्ज कर देता है? प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा होगा इसलिए। प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा इसलिए, ठीक है। और क्या लगता है आपको क्यों मर्ज कर देता है? बैंक का मालिक चेंज हो गया होगा, कस्टमर नहीं, बैंक का मालिक तो चेंज नहीं होगा क्योंकि तो कम हो गए गवर्नमेंट होंगे का सर। बैंक है, उसमें मालिक कोई है नहीं, है ना। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर बैंकिंग सिस्टम वीक हो गया तो पब्लिक का बैंक से ट्रस्ट हट जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे ना कि कस्टमर पैसा निकालने गया, पाएंगे आगे जाके है भैया, मेरा फोन ज्यादा काम कर पाएंगे। मेनली क्या है कि मान लीजिए कि कोई बैंक था, अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कविता पैसे निकालने गई, उसने बोला पैसे तो नहीं है, बाद में आना, अभी तो है नहीं, तो ये क्या है कि बैंक बंद हो गया। तो मेनली क्या है कि जब भी कोई बैंक कमजोर होता हुआ नजर आता है, किसी भी कारण से जब वो कमजोर होता हुआ नजर आता है, तो आरबीआई उसको एक मजबूत बैंक के साथ मर्ज कर देता है। क्योंकि अगर बैंक बंद कर दिया तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत गलत पड़ेगा। अगर बैंक बंद कर दिया या बैंक बंद हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, मान लीजिए दिवालिया निकल गया उसका, तो फिर क्या होगा, लोगों का बैंक से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा कि भैया ये तो पैसे लेके हमारे पता नहीं कहाँ कहाँ डुबा देते हैं, फिर हमको बोल देते हैं कि चलिए बैंक लॉस में चला गया, बंद करो। तो ऐसे तो फिर हालत हो जाएगी खराब, है ना, है या नहीं? यस सर, पलक है, पलक यस पलक पलक, सुन रहे हैं आप पलक? हाँ सर, कुणाल, यस पलक कहाँ पर है? सर, नहीं है कुणाल, नहीं आप जानते हैं क्या पलक को? सर, नहीं
हाँ तो ये हमारा क्या है, नेशनलाइज बैंक का कॉन्सेप्ट है। तो हम बोल रहे थे कि मर्जर क्यों होता है। मर्जर इसलिए होता है कि ताकि हम ताकि कोई बैंक अगर कमजोर होता हुआ दिखे या डूबता हुआ दिखे तो उसको एक मजबूत बैंक के साथ मर्ज कर देते हैं। नहीं तो क्या होगा कि पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम से अगर विश्वास उठ गया तो फिर पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अगर बैंकिंग सिस्टम बंद हुआ या बैंकिंग इंडस्ट्री अगर कोलैप्स हुई तो समझ लेना इकोनॉमी अपनी आप कोलैप्स हो जाएगी किसी भी कंट्री की, है ना। इसलिए ये मर्जर किया गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग, है ना। तो रीजनल रूरल बैंक का मतलब है कि एक ऐसा बैंक जिसका हिंदी में ही नाम पता चल रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, ये रीजनल रूरल बैंक इसको समझते हैं। रीजनल रूरल बैंक का मतलब है कि एक ऐसा बैंक जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब क्या है, देखिए क्या है कि ये अलग अलग टाइप के बैंक क्यों बनाए गए हैं, पहले इनका ऑब्जेक्टिव भी समझते हैं हम लोग। हमारी जो देश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो एक सी जगह पे नहीं रहती है। आप लक्की हैं कि आप बड़े शहर में रहते हैं, है ना। सब तो नहीं रहते, एक बहुत बड़ा हमारी पॉपुलेशन का जो हिस्सा है, बहुत बड़ा माइनर सा हिस्सा बड़े शहरों में रहता है, बहुत छोटा सा। बाकी एक बहुत बड़ा हिस्सा सेमी अर्बन या रूरल एरिया में रहता है। आपको जितनी सुविधाएं यहाँ हैं वो उतनी सुविधाएं वहाँ के लोगों को नहीं है, है ना। आपके यहाँ हमेशा लाइट रहती है, अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको 12 घंटे भी कंटिन्यू लाइट नहीं मिलेगी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आप चाहे गर्मी से परेशान हो रहे हो उससे कोई फर्क नहीं है, कंडीशन से अलग अलग। आप 10th पास भी होंगे दिल्ली में तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। वहां पे BA पास लड़का भी जॉब के लिए भटक रहा होगा बेचारा, जॉब नहीं मिल रहा होगा क्योंकि वहां ना कंपनी है ना कुछ है, एग्रीकल्चर का ही काम है, बस खेती कर सकता है बेचारा, या कोई फैक्ट्री वैक्ट्री होगा छोटा मोटा उसमें काम करेगा। अपॉर्चुनिटीज की कमी है ना। तो हमारे देश में काफी सारी चीजें अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, काम धंधे अलग है सबके, इनकम सोर्स अलग है सबका, और जरूरतें अलग अलग है बैंकिंग की सबकी। अब रूरल एरियाज में फार्मर्स रहते हैं तो फार्मर्स की अपनी जरूरत अलग है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही ये रूरल रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया कि रूरल एरियाज को ध्यान में रखते हुए। तो रूरल एरियाज में अगर कुछ भी हुआ कि मतलब वहां के जो लोग हैं रूरल एरियाज में रहने वाले वो ज्यादातर फार्मर्स हैं, तो उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके बैंकिंग की, इसलिए रीजनल रूरल बैंक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। और हम जब कोई रीजनल रूरल बैंक बनाते हैं तो सबसे पहले सरकार एक एरिया नोटिफाई करती है, एक एरिया देखती है कि किस एरिया के अंदर इस बैंक को बनाया जाएगा, वो एरिया ढूंढती है। जब एरिया मिल गया तो अब बैंक बनाने के लिए हमें चाहिए पैसा, फंड चाहिए, है ना, चाहिए या नहीं। ये भी तो बिजनेस है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है ना। बैंक बना रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो इसमें 3 पार्टी जॉइंटली अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, कौन कौन सी 3 पार्टी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सरिंग बैंक। क्या मतलब है इसका कि जो पूंजी चाहिए बैंक बनाने के लिए
उसमें केंद्र सरकार अपना 50% पैसा इन्वेस्ट करेगी, 15% राज्य सरकार करेगी और 35% पैसा फंड वो बैंक करेगा जो उसे स्पॉन्सर करना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम हरियाणा के एक गांव में बैंक बनाने का प्लान कर रहे हैं, गांव का नाम है झज्जर, सुना होगा नाम, झज्जर वान सुना है? नहीं सर, नहीं सुना? नहीं सफेद सुना और सर, नो सर, एक गांव है सोनीपत, एक जगह है नो सर, हरियाणा में, उसमें एक गांव है सफीदो। सोनीपत तो सुना होगा, यस सर, सुना है? यस सर, यस सर, सोनीपत सुना है। चलिए, उसका एक गांव है सफीदो, वहां पे मान लीजिए बैंक बनाने की बात चल रही है। तो अब उसको पैसा चाहिए, तो केंद्र सरकार जो हमारी है भारत सरकार, वो 50% पैसा लगाएगी। तो सोनीपत हरियाणा सरकार के अंडर में आता है, राज्य सरकार हरियाणा की है, तो जो राज्य सरकार है वो उसमें 15% लगाएगी। अब कोई बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक उसको उसको चलाना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है, वो अपना 35% पैसा लगाएगा। तो इस तरीके से तीन पार्टी जॉइंटली अपना पैसा इंफ्यूज करेंगे उसके लिए। तो फिर उसके बाद बैंक बन जाएगा, और जो भी रीजनल रूरल बैंक होगा उसको हम ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानते हैं। उसके पीछे टाइटल जो होगा ना, उसमें बैंक नहीं होगा, ग्रामीण बैंक लिखा होगा, आप देखना कभी भी, उसके पीछे ग्रामीण बैंक लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये हमारा रीजनल रूरल बैंक है। क्लियर? यस सर, अलग अलग यस पार्ट में सर, डिवाइड करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ किस अकॉर्डिंग मतलब अपने अपने मतलब अलग अलग परसेंट में डिवाइड करते हैं। ये जितने सेंट्रल बैंक हाँ हुआ 50% हाँ है, राज्य सरकार जो है 15% है, और ये स्पॉन्सर जो बैंक कर रही है 35% है। तो कैसे कैसे करते हैं ये लोग अपने आप को? परसेंटेज निकालेंगे ना, जो जितना टोटल वो चाहिए हमें निकालने के लिए, टोटल जो पैसा मान लीजिए कि चाहिए उसका परसेंटेज निकालेंगे ना अलग अलग। जो कैपिटल हमारा है जिसे मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ इस चीज को, मैंने जो भी पैसा दिया है तो हाँ, उतना ही पैसा मतलब सेंट्रल बैंक भी नहीं देगी नहीं मतलब नहीं तो नहीं सारे पैसे आप ही मान पास लीजिए उसमें। कि हमें बैंक बनाने के लिए 100 रुपए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, तो उस 100 में से 50% कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यानी 50 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, 15 रुपए राज्य सरकार को, और 35 रुपए देने पड़ेंगे जो बैंक स्पॉन्सर करना चाहता है उसको। ठीक है, यस यहां तक क्लियर है? रीमा समझ में आ रहा है? रीमा देवी जी सर, आ रहा है समझ में? जी सर, आ रहा है, यस सर, आ रहा है। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। अब है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, प्राइवेट सब तो सुना ही होगा आप सबने, है ना, बहुत यस कॉमन सा सर, है, और हमारी सरकार का फोकस भी सभी चीजों को प्राइवेट करने में बहुत है आजकल, है ना, सुना होगा आपने, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस ज्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। तो जैसे हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में जाना था कि कोई भी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में तभी आएगा
जब उसमें कम से कम 51% साझेदारी सरकार की होगी, ये जाना था हमने। किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक में, यही बताया था ना। ये बताया था ना। यस हाँ, सर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है कि कोई भी बैंक प्राइवेट तब होगा जब उसमें कम से कम 51% साझेदारी प्राइवेट होगी। यानी कुछ लोगों ने मिलके बैंक बनाया, मान लो कविता, मायरा, रीमा, ये तीन चार लोग हैं, इन्होंने मिलके बैंक बनाया। तो बैंक बनाने के लिए मान लीजिए कि 250 करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए थी, तो उस यस ढाई सर सौ बिल्कुल करोड़ में से 51% जो पैसा है वो इन तीनों ने लगाया हुआ है उसके अंदर, अपना खुद का पैसा लगाया हुआ ये बंद करो। है ना। नहीं, समझ गया है कि जो टोटल फंड चाहिए था प्राइवेट बैंक बनाने के लिए, तो उसमें 51% पैसा प्राइवेट लगा हुआ है कम से कम। यानी कुछ लोगों ने अपना खुद का पैसा मिला लगाया है उसके अंदर, उसे हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। यानी कोई भी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में तभी आएगा जब उसमें कम से कम 51% शेयर या कैपिटल प्राइवेट लोगों का लगा हुआ है, खुद का पैसा लगा हुआ है उसके। जैसे आपने कुछ प्राइवेट बैंक का नाम सुना होगा इंडिया के, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, सुना होगा आप लोगों ने नाम इनका, इंडसइंड है ना। बैंक। तो ये सभी क्या है? प्राइवेट बैंक है हमारे इंडिया के। अब प्राइवेट बैंक में भी हमारी क्या है, अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज है। क्या है वो? पहला है हमारा इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होता है? इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मतलब है कि वो बैंक जो कि इंडिया के हैं और प्राइवेट बैंक हैं। यानी उनकी शुरुआत इंडिया से हुई थी, इंडिया से ही बने थे और वो प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। और ये भी क्या है कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन। तो क्यों इन्हें हम ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन कहते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। आपने देखा ना, मोबाइल में पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 5G आ गया। जी हाँ, तो ये जी जो टू सर, जी थ्री जी फोर जी फाइव जी से फर्क क्या है, फर्क क्या आया इनके अंदर? इंटरनेट अच्छी हो गई है, क्वालिटी अच्छा हो स्पीड गया अच्छी हो गई, क्वालिटी अच्छी हो गई, है ना। है। आप वीडियो देख पाते हैं, आप पहले वीडियो नहीं देख पाते थे, है ना। ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड हो गई। तो ऐसे ही सेम थोड़ा यहाँ पे भी ऐसा ही कि जो ओल्ड जनरेशन के बैंक है वो टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, 1993 में। जो 1993 से पहले जो इंडियन प्राइवेट बैंक थे उनको हमने ओल्ड जनरेशन की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि उस टाइम तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने एडवांस नहीं थे ये बैंक, है ना। तो लेकिन क्या है कि 1993 के बाद टेक्नोलॉजी आ गई बैंक के अंदर, और उसके बाद जो बैंक बने वो बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, लार्ज स्केल पे काम कर रहे थे, और मर्जर भी हो गया था कई बैंक का आपस में, तो उनका ऑपरेशन भी बड़ा हो गया। तो ऐसे में क्या है कि जो आपको बस सिंपली इतना याद रखना है कि 1993 से पहले जो इंडियन प्राइवेट बैंक थे उनको हमने ओल्ड जनरेशन में रखा हुआ है, और 1993 के बाद जो हमारे इंडिया के प्राइवेट बैंक है वो न्यू जनरेशन की कैटेगरी में डाले हुए हैं। ठीक है, इतना बस याद रखना, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना इसके। क्लियर? क्लियर है? यस सर, ओके। अब यस आप थोड़ा एक काम करेंगे सर। कि चलिए आगे चलते हैं हम नहीं लोग, सर, नहीं हुआ अभी। रह गया अभी, सर जल्दी लिख लीजिए उसे। ठीक हो जाए तो हो गया बताना फिर सर, आगे। हो गया ठीक सर, है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग प्राइवेट बैंक तक पहुंच गए थे, तो प्राइवेट बैंक के बारे में आगे चलते हैं। प्राइवेट बैंक में हम लोगों ने आपको इंडियन प्राइवेट बैंक के बारे में बता दिया था,
अब जो है हमारा वो है फॉरेन बैंक, है ना, प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में। नेक्स्ट जो प्राइवेट बैंक की सब कैटेगरी है ये, एक तो हमने इंडियन प्राइवेट बैंक के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पर आ गया है फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए फॉरेन बैंक का मतलब उन बैंक से है जो हमारी कंट्री के नहीं है। सिंपल सा मतलब यह है कि वो बैंक जो हमारी कंट्री के नहीं है या जिनका ओरिजिनेशन हमारी कंट्री से नहीं हुआ है। अगर कोई दूसरे देश का इंसान हमारे यहाँ आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कोई अमेरिकन आ गया या ब्रिटिशर्स आ गया तो उसे क्या कहते हैं? फॉरनर फॉरनर कहते हैं आप उसे, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि वो बैंक जो हमारी कंट्री का नहीं है लेकिन हमारे इंडिया में काम कर रहा है, वो तो हमारे लिए क्या है? फॉरेन बैंक्स हो गया। तो हमारा जो रेगुलेटर है वो कौन है इंडिया का बैंकिंग का? आरबीआई आरबीआई है। तो आरबीआई इसलिए कोई भी फॉरेन बैंक अगर इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पहले उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो बैंकिंग बिजनेस अपना यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। तो फॉरेन बैंक से बेनिफिट क्या है हमें कि फॉरेन बैंक अगर यहाँ कोई आता है तो एक तो बेनिफिट यह होता है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होता है। कोई भी बैंक अगर मान लीजिए यहाँ पर आके काम करता है बाहर का, तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जो भी उसका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में उसको टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो आसान हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज समझते हैं आप, जो बाहर की जो करेंटी का कंट्री का करेंसी है, मुद्रा है, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना आसान हो जाता है ना। ये है, यस ये फॉरेन बैंक है। तो आपने कुछ फॉरेन बैंक के नाम भी सुने होंगे या देखे भी होंगे, उनके ब्रांच दिल्ली में तो हैं काफी जगह। एचएसबीसी या सिटी बैंक का नाम सुना होगा आपने, या अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक या रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड आरबीएस जो है, इसका भी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली के अंदर किसी किसी जगह। ये एचएसबीसी और सिटी बैंक का आपको कई जगह मिल जाएगा, देख अगर आप देखेंगे तो आपको सिटी कई, बैंक का ज्यादा सुना है सर। हाँ सिटी बैंक आपको ज्यादा मिलेगा, इसके ब्रांचेस ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी क्या है? बाहर के बैंक है, हमारे देश के नहीं है। इनका हेड ऑफिस बाहर की कंट्री से है, इनकॉरपोरेशन बाहर से है, सिर्फ ये बैंकिंग बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं आरबीआई का परमिशन लेके। प्राइवेट बैंक के अंदर लोकल एरिया बैंक भी थे। ये लोकल एरिया बैंक क्या है कि एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर अपना ऑपरेशन रन करते हैं। हालांकि अब ये ज्यादातर जो है ये मर्ज हो चुके हैं, हम अब इनका एग्जिस्टेंस नहीं है इतना, मर्ज हो गए हैं ये ज्यादातर, है ना। और ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हमारे उसमें पर, ये था पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा, है ना। देखिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग बैंक को बनाने का हमारा ना एक ऑब्जेक्टिव है। कोई भी बैंक जो बनाया गया है वो इसलिए नहीं बनाया गया कि ऐसे ही बना दिया, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है बनाने का, है ना। कुछ भी जो बनाया है एक ऑब्जेक्टिव के साथ में बनाया गया है। तो ऐसे ही ये पेमेंट बैंक जो है, ये पहले बहुत साल पहले का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हाल ही में कुछ साल पहले ये कॉन्सेप्ट आ गया। क्योंकि नीड नीड जो होती है ना, वही नई नई चीजों को क्या देती है? जन्म देती है। नीड के ऊपर होती है सारी चीजें, है ना। तो नीड क्या है कि आज के टाइम की जो नीड थी उसको ध्यान में रखते हुए इस पेमेंट बैंक को बनाया गया। फ्यूचर में भी हो सकता है आप और भी नए नए टाइप के बैंक आपको देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो अभी इसके बारे में समझते हैं हम कि ये है क्या, है ना, इसको समझते हैं। तो पेमेंट बैंक का सिंपल सा मतलब यह है कि ये वो बैंक है जो पेमेंट करने के लिए बनाया गया है। देखिए जो हमारे नेशनलाइज बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो बड़े बैंक है, तो इनके ऊपर जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन का जो बर्डन था वो बहुत ज्यादा था। कि अगर किसी को मान लीजिए कि 200 रुपए की जरूरत पड़ रही है, वो एटीएम जाके 200 रुपए निकाल रहे है ना,
किसी को 500 रुपए की जरूरत पड़ रही है, 500 रुपए निकालना, तो इससे क्या है कि जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स का बर्डन है ना बड़े बैंक पे ज्यादा हो रहा था। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो बार बार करता है कोई पर्सन, वो क्या है कि उनका लोड उनके ऊपर से कम हो जाए, इसलिए ये पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो आज क्या है कि पेमेंट बैंक में आप जो भी आपको दूध लेना है अपने दूध वाले को पेमेंट कर दिया डायरेक्ट, है ना, क्यूआर कोड से या यूपीआई से आज आप कर देते हैं, अपना पैसा जमा रखते हैं पेमेंट बैंक में और कर देते हैं आप डायरेक्ट। तो पेमेंट बैंक के जरिए जो बार बार जो आपका एक्सपेंडिचर, जो बड़े बड़े बैंक में पैसा निकालता था, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 300 रुपया, बार बार ऐसे खर्चे का जो लोड था वो ज्यादा हो जाता है बैंक के ऊपर। तो पेमेंट बैंक ने क्या किया, अपना खुद का पेमेंट बैंक बना, और अब क्या है कि उसमें जो थोड़ा आपको जरूरत लगता है जितना, उतना पैसा उसके अंदर जमा कर लो, और उसके बाद आपको सब्जी लेना है सब्जी वाले को पेमेंट कर दो, मेन बैंक से ना करके पेमेंट बैंक में जमा कर लिया पैसा, और जो आपको छोटा मोटा खर्चा करना है सब्जी वाले को देना है, मूवी टिकट बुक करना है, या मान लीजिए कि आप दूध लेने गए दूध वाले को पेमेंट कर दिया, ये सभी क्या है मेन पर्पज है इसका, पेमेंट करना है ना। हालांकि आप फीचर्स इतने हो गए कि आज की डेट में आप इससे अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी कर सकते हैं, है ना, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का पेमेंट कर सकते हैं, LIC का पेमेंट कर सकते हैं, सब बहुत सारी चीजें बाद में जुड़ गई इसके अंदर, कॉन्सेप्ट यही था पेमेंट का। अब क्या है इसमें कि एक इंडिविजुअल कस्टमर इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए डिपॉजिट ले सकता है अपना, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। पहले ये 1 लाख था, अब इसकी लिमिट 2 लाख रुपए कर दी गई है कि 2 लाख रुपए का डिपॉजिट ले सकता है एक महीने में एक इंडिविजुअल कस्टमर, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। अभी इसका इस पे प्रोटोकॉल लगा हुआ है, या आप कह सकते हैं ऑब्लिगेशन लगाया हुआ है RBI ने। काफी जब स्टार्टिंग में तो कॉल बहुत सारी चीजें इनको अलाउड नहीं थी, धीरे धीरे रिलैक्सेशंस कर दिया, हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम में और भी चीजों में इनको रिलैक्सेशंस मिल जाए, क्योंकि अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं है, बहुत सारे लोग यूज करना भी नहीं जानते हैं। अभी बड़े बड़े शहरों में तो ये चल रहा है, बड़े बड़े शहरों के लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी बहुत कम है इसका चलन। ठीक है, तो ये है हमारा पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट, आया समझ आप लोगों को क्या है पेमेंट बैंक? यस यस ओके, आगे चले। यस सर यस जी सर ओके, आगे जो है वो है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में एक नया, मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं एक कॉन्सेप्ट है ये। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या कहते हैं हम, ये समझते हैं हम क्यों कहते हैं मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब है कि वो बैंक जो कि स्मॉल फाइनेंस यानी छोटा फाइनेंस करने के लिए बना। मैंने आपको बताया कि हमारे देश में सभी लोगों का काम धंधा एक सा नहीं है, ना एक सी उसमें रहते हैं हम जगह पर, ना एक से हमारे काम धंधे, ना ही एक सा इनकम का सोर्स भी नहीं है। देखिए सभी का, कुछ लोगों का इनकम सोर्स बहुत ज्यादा है, किसी का कम भी है, कुछ लोग लेबर क्लास में काम करते हैं, कुछ लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज में कर रहे हैं, कोई MNC में काम करता है, तो कोई छोटी कंपनी में काम करता है, सबका अपना अलग अलग है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, जो छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, किराना स्टोर चला रहे हैं, है ना, जनरल स्टोर वगैरह, तो ऐसे लोग भी बैंकिंग की सुविधा के साथ जुड़े हैं, इनको नजरअंदाज ना किया जाए, तो इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया कि छोटे इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिल सके बैंकिंग का। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन पेंसिल बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और पेंसिल बनाने के बिजनेस के लिए उसको 60-70 हज़ार रुपए के लोन की जरूरत है, या 1 लाख तक का लोन चाहिए। अब वो किसी बड़े बैंक में जाएगा तो वो लोग क्या है ना, बड़े बड़े लोन में डील करते हैं, वो ज्यादा उसको सुनते नहीं है। अब उसे 50-60 हज़ार, 60-70 हज़ार का लोन चाहिए, वो कोई सुन नहीं रहा उसकी बात,
तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज ना किया जाए, इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जिनको छोटा मोटा लोन चाहिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लोन की सुविधा दी जाए। तो उनका मेन कॉन्सेप्ट ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करना है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसको पूरा किया जाए, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगा दिए। तो वो ऑब्लिगेशंस क्या है? वो ऑब्लिगेशंस ये हैं कि सबसे पहले इनको बोला है कि देखिए, आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी लोन का लोन आप मार्केट में दे रहे हैं, जो भी आपके पास पैसा है लोन का, यानी जितना पैसा आप लोन के रूप में मार्केट में देना चाहते हैं, तो आपको 75% पैसा उन्हीं लोगों को देना है जिनको सरकार ने प्रायोरिटी की लिस्ट में डाला है। कहने का मतलब, सरकार ने जिन इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी है कि इनको बढ़ावा करना है, इनको बढ़ाना है हमें अपने देश में। जैसे आपने देखा होगा कि अभी करंट गवर्नमेंट का एक फोकस बहुत ज्यादा रहा बीच में कि वोकल फॉर लोकल, सुना आपने ये शब्द वोकल फॉर लोकल? ये एक सरकार का एक नारा चला था बड़े बड़ा ही उस पे, यस सर, कोविड कोविड के के टाइम बाद चला से। था सर। हाँ, कोविड के बाद से ये नारा बड़ा लगा कि आप अपने लोकल लोगों को ज्यादा बढ़ावा दें, लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ावा दें, जिससे कि हमारे देश के लोगों को ही उसका फायदा मिले। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंडस्ट्री है जिसको बढ़ाने के लिए सरकार ने उसको प्राथमिकता दे दी है कि ऐसे लोगों को आपको ज्यादा सपोर्ट करना है, तो 75% जो लोन है वो ऐसे ही लोगों को देंगे, वो जो सरकार ने प्राथमिकता दी है जिनको बढ़ाने के लिए। पहला ऑब्लिगेशन ये लगाया आरबीआई ने इनके ऊपर। दूसरा ऑब्लिगेशन इनके ऊपर ये लगा हुआ है कि आप जो भी लोन दे रहे हैं, जितने भी लोगों को लोन देंगे, उनमें से 50% लोन आपके ऐसे हों जिनका अमाउंट 25 लाख से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आया समझ? जिनका अमाउंट यस 25 लाख से नीचे होना चाहिए। कहने का मतलब, मान लीजिए कि 100 लोगों को लोन दिया, तो 50 लोगों का लोन ऐसा होना चाहिए जिसमें से अमाउंट 25 लाख से नीचे होना चाहिए। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, वो ये बता रहे हैं, है ना? और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो मैं आपको भी बता रहा था, नीचे वही लिखा हुआ है उसके लास्ट पॉइंट में कि ये स्मॉल बिजनेसेस या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं या फार्मर्स हैं जो पशुपालन वगैरह करते हैं, छोटा मोटा फार्मिंग का काम करते हैं, या एमएसएमई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं, जो छोटे लेवल पे काम करने वाले काम धंधे हैं, ऐसे काम धंधे करने वाले लोगों को ही ज्यादा सपोर्ट करना है, उनकी जरूरत को पूरा करना है, यही इन बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसी को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। क्लियर है? यस सर, ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताएं आप लोग। अभी लास्ट में आपने कहाँ तक लिखा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख लिया है ना? चलिए, अब आप इसको लिखिए, आप लोग इस चैप्टर को आप लिखिए आप। सभी आप अपना अटेंडेंस देंगे, कैमरा ऑन कर लीजिए सब। दिशा, प्रेजेंट सैयद कमल, मोहम्मद सर। साहिल, मोहम्मद साहिल ये कहाँ पर हैं, किसी को पता है? अवेलेबल था लेकिन अभी नहीं है, पता लंच के बाद से जाएगा। तो कौन है इनका मैनेजर, अरे एक बार उनको बोलिए। मैंने बोल दिया पूनम शर्मा। ठीक है।
मुझे बता दीजिए एक बार। साक्षी, प्रेजेंट कविता, सर, वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। प्रेजेंट अमायरा, सर, प्रीति, प्रेजेंट सचिन। प्रेजेंट सचिन सर, ओके ठीक प्रेजेंट सर, है। कोमल, कोमल, अंशु, प्रेजेंट सर, श्रुति, श्रुति, वनीसा, वनीसा, प्रेजेंट तिसा, सर, तिसा, यस सर, अमीषा, यस सर, करुणा। अभी तो ठीक यस हंगरी। रीमा, यस सर, निशा, निशा, निशा को कोई जानता है आप में से? निशा को जानता है कोई कनेक्शंस में आप में? नकुल, प्रेजेंट वो करुणा एक बार बोलिए उसको कि कहां पर है, वो भी लंच के बाद से गायब है। कौन है इनके मैनेजर, और एक बार बताइए इनको। मीटिंग ज्वाइन ना की हो और उसके फोन में बैटरी भी नहीं थी। तो ये उसको चार्ज कौन करेगा फोन को? कल बताया तो था सब कुछ आपको। यस सर बताया था। नकुल, प्रेजेंट सर, डॉली, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सैली, सर, प्रेजेंट प्रियंका, सर, पूनम, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सलोनी, सर, रोहन, अविनाश, प्रेजेंट सर, पुष्पराज सिंह, प्रेजेंट सर, ठीक है, सुमन सिंह, हेलो, प्रेजेंट हाँ जी सर, ठीक है, सर, और भावना, प्रेजेंट ठीक है मैम, भावना, पलक, प्रेजेंट सर, पलक, ये भावना कहाँ पर है? जानते हैं आप इसे, आप ही की एजेंसी से? नहीं सर, मुझे नहीं लक्ष्मी को मालूम। जानते हैं आप? हाँ जी सर, लक्ष्मी को बोलिए एक बार कि गायब है पूरे दिन से, कहाँ पर है, एक बार बात कीजिए उनसे। हाँ ठीक है सर, मैं करती सर हूँ। बोल रहे हैं कि हटा देंगे नहीं हम इनको। फिर ओके सर, कुणाल, प्रेजेंट सर, अरुण, अरुण, प्रेजेंट मौसम, सर, देवेंद्र, मोहम्मद साहिल है? नहीं है। कोमल यादव, कोमल यादव नहीं है, नहीं। निशा नहीं है, रोहन नहीं है, श्रुति है, श्रुति,
हाँ तो हम आगे अपना स्टार्ट करेंगे। हाँ ओके सर हम लोगों ने अपना पेमेंट बैंक तक कर लिया था, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक कर लिया था। यस सर अब हमारा है नेक्स्ट, वो है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो बैंक जो टाइप्स ऑफ बैंक है आपका यहाँ पे, अब ये पूरा हो जाएगा चैप्टर टाइप्स ऑफ बैंक वाला। तो इसमें आपको जो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा समझना है कि कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, जैसे अभी आपने कई सारे बैंक देखे तो वो बैंकिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, तो वो काम कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक में क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक हमारा वो बैंक है कि जिसका कॉन्सेप्ट है ना, कैसे शुरू हुआ इसको समझते हैं। पहले रूरल एरियाज में कुछ लोग अपना एक ग्रुप बनाया करते थे, ज्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं जिन्हें, हम आज भी होते हैं ये। तो ये क्या करते थे कि अपना पैसा इकट्ठा करते थे ग्रुप में ही, और जब किसी को पैसा उधारी की जरूरत पड़ती थी ग्रुप मेंबर को, तो उस पैसे को उधार दे देते थे और उससे इंटरेस्ट लेते थे। तो वो इंटरेस्ट आपस में ये बांट लिया करते थे। तो इन्होंने फिर इस तरीके से बाहर देना शुरू किया। तो ये काम फिर इनका क्या बन गया कि ये बैंकिंग के रूप में करना शुरू कर दिया है लोगों ने। ये कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक का वहां से आया। तो कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी बैंकिंग कंपनी के रूप में नहीं होता, इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव के यहाँ होता है। एक रजिस्ट्रार होता है, जैसे ये कचहरी में होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, वहां पे इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और इनको जनरली स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज करती है। अगर ये एक स्टेट में काम कर रहे हैं तो 3 टीयर में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या मल्टी स्टेट पे। तो एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में इनका ब्रांचेस होगा, सब जगह नहीं होगा। अगर ये किसी एक स्टेट में काम कर रहे हैं तो उस स्टेट में इनका ब्रांचेस होगा, और जब तक ये एक स्टेट में है तो इसको स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करती है, इनको रेगुलेट करती है। लेकिन जब ये मल्टी स्टेट में चले जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको क्या करती है, रेगुलेट करना शुरू कर देती है। तो ये और बैंकों की तरह, जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनकी तरह बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होते हैं, बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता इनके पास। बेस कस्टमर भी ज्यादातर इनका एक पर्टिकुलर वर्ग होता है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा बनाया गया हुआ होता है ये बैंक, तो उसी ग्रुप की या उसी कम्युनिटी के लोग ज्यादा इनके कस्टमर होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बड़ा स्टाफ नहीं होता इनके पास में, ये छोटे लेवल पर ही काम करते हैं, ज्यादा बड़ा इनका जो रेवेन्यू भी कम होता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि जनता जो पब्लिक है हमारी, उनका जो ट्रस्ट है वो ऐसे बैंक पे काफी कम है। अभी पिछले कुछ टाइम में जितने भी मैक्सिमम बैंक बंद हुए, आरबीआई ने जिन जिन बैंकों को बंद किया है, उसमें मेजरली सबके सब कोऑपरेटिव बैंक ही थे, क्योंकि यहाँ पे है ना रेगुलेशन थोड़ा वीक रहता है और फ्रॉड भी बहुत जल्दी हो जाता है लोगों के साथ। तो जितने भी अभी रिसेंट में बैंक बंद हुए हैं ज्यादातर, वो सब कोऑपरेटिव बैंक ही बंद हुए हैं। पिछले 2-3 साल में ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक ही बंद मिले हैं। आप अगर पढ़ेंगे रिपोर्ट तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम बैंक कोऑपरेटिव ही थे जिनमें कोई फ्रॉड हुआ और वो बंद हो गए, या आरबीआई के द्वारा सुपर सेट कर दिए गए, है ना, संचालन बंद कर दिया गया उनका। तो ये हमारा अब हो गया पूरा बैंक वाला चैप्टर कवर जो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, पूरा हो गया ये हमारा। तो अब आप लोग लिखना चाहते हैं तो अब मैं आपको लिखवा देता हूँ। कहाँ तक लिख लिया था आप लोगों ने? सर प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक तक लिख लिया था आपने। ठीक है, आगे का लिखेंगे और इस चैप्टर को कवर कर जब हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को वीडियो भेजेंगे तो देखेंगे आप उसको, नहीं हम भेजे हो फिर आप देखे ना उसे, क्योंकि सर। पिछले बैच को भेजते थे कोई देखता ही नहीं था। नहीं सर हम अच्छे हैं। तो आपका ये प्राइवेट बैंक यहां तक लिख लिया ना आप लोगों ने?
जी सर लिख लिया है मैंने। जी सर जी सर लिख लिया। यस सर आज आपके यहाँ एग्जाम भी था कुछ बच्चों का कनेक्शंस के यहाँ है जी ना? सर हाँ जी सर हाँ जी यस जी सर सर पास हो गए? जी सर तो ये वाला लिख लिया ना आप लोगों ने, ये फॉरेन बैंक का लिखना है आपको, फॉरेन बैंक लिख लिया। अरे लिखना ये लिखना नहीं है, देखना है खाली। लिखना का देखना है। अरे नोट करना है नोट कर लो सारे आप नोट करना है, नोट कर बोल लो। रहे हो ना। अरे बोल रहे हैं ना देखना है खाली। देखना नहीं है, लिखना है भाई। वाईफाई नहीं है डन। लिख लिया जी डन यस लिख लिया जी। मौसम आप रहने दो, आप बाहर घूम रहे हो, कहाँ से लिख लिया आपने? आपका मंडे से ट्रेनिंग अटेंड मत करना, ठीक है? मैं संजय जी को मना कर झूठ दूंगा, आप रहने वो दीजिए, झूठ आपसे नहीं होगा।
लिया सर। पिछली बार भी आप फेल हो गए थे अपनी इसी बेवकूफी की वजह से, बताया ना आपको पिछली बार भी फेल हुए थे आप, हाँ फिर जी, दोबारा वही काम कर रहे हो, एक जगह बैठ के ट्रेनिंग कर पिछली लिए बार और। कहाँ ट्रेनिंग ली हाँ तो तभी तो बोल रहा हूँ, अब भी तो वही कर रहे हो ना। ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है, एक जगह बैठ के करो, नहीं तो रहने दो। थी? सोमवार को करेंगे, जगह बैठ के करेंगे। आगे चले, ठीक यस सर, यस है, सर, ठीक है, यस सर, यस नेक्स्ट लिखेंगे आप पेमेंट बैंक। सर, पेमेंट। सर इसके सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, नोट डाउन इसके करना है। आप है ना फर्स्ट पॉइंट छोड़ दीजिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये वाले पॉइंट कर लीजिए, फर्स्ट वाला रहने दीजिए आप, हिंदी वाले तीनों करेंगे। सर लास्ट के जो तीन है वो करने हैं ना? हाँ जी, कान रिमूव कर ले दोनों का, बता।
हो गया हो ये तो बताइए आप। यस सर हो गया। यस सर हो गया। जी सर हो गया। अब लिखेंगे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, और इसमें क्या रह गया? लास्ट लाइन है। ओके ठीक है, अब हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पे करते हैं। आप स्टार्टिंग के फर्स्ट टू पॉइंट लिख लीजिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है ना? फर्स्ट टू पॉइंट लिख लीजिए और थर्ड वाला रहने दीजिए, फोर्थ वाला भी आपको वैसे तो क्लियर ही हो गया है। हिंदी वाले फर्स्ट थ्री पॉइंट लिख लेंगे। हाँ प्रीवियस वाला पेज, क्या प्रीवियस वाला क्या रह गया आपका उसमें? जी लास्ट लाइन रह गई। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखिए आप लोग। सर इसमें फर्स्ट और सेकंड ही लिखना है। हाँ फर्स्ट और सेकंड लिख लीजिए। हिंदी वाले